Well, so good morning to all of you. एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. आए हम कुछ अच्छा करने. तो चलो दिन की शुरुआत ये पॉजिटिव एनर्जी से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो दोस्तों, आर यू रेडी फॉर रिविजन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स? जो भी हमने देखा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. आ जाओ फर्स्ट पेज से आ जाओ. फटाफट मैं बता देता हूँ आपको आपको एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आपको पढ़ना है. ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो स्टार्टिंग में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस उतना ही पूछा जाएगा जहाँ तक देखा जाए. और जो स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है, मैं एक बार फिर से बता दूँ, जो भी आपकी टेक्निकल क्वेरी होगी लास्ट के 10 मिनट जो है आपका ऑर्डर आईडी और आपका प्रिफरेबल टाइम आप टाइप कर लीजिएगा, मेरी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी. इन बिटवीन प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना कीजिएगा. और जो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आज से ज्वाइन हुए हैं, तो बेटा अगर पहला सेशन देखना नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, पर दूसरा सेशन आप ज़रूर देखिएगा तो ही आपकी कंटिन्यूटी आएगी, नहीं तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं आएगी. इज़ इट क्लियर? चलिए फिर पहला सेशन जो है बाद में देख लेना, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के टोटल 5 पॉइंट्स हमने देखे थे, 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं. 5 पॉइंट्स, लेवी. लेवी किसके ऊपर है डायरेक्ट टैक्स का? इनकम अर्निंग एक्टिविटी पे. इनकम अर्निंग एक्टिविटी पे लेवी है ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. इज इट क्लियर? और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कमोडिटी और गुड्स. ठीक है, दूसरा इंसिडेंस. इंसिडेंस डायरेक्ट टैक्स का ट्रांसफरेबल है या पेएबल बाय पर्सन कंसर्न? इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल एंड एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर. ओके, एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर. क्लियर? यस और नो? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बेटा थर्ड नेचर. डायरेक्ट टैक्स का नेचर जो है प्रोग्रेसिव नेचर है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का रिग्रेसिव नेचर है. इज इट क्लियर? उसके बाद में जहाँ व्हेन इट इज टू बी पेड, तो डायरेक्ट टैक्स कब? जैसे इनकम रिसीव हो जाती है. ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जब कमोडिटी पहले पे होता है, फिर कमोडिटी और सर्विसेज बाद में आती है. अरे श्री किशोर सर ने बोला उसे. उसके बाद में जहाँ तक देखा जाए, हाँ हमने देखा था आर्टिकल 260. स्क्रीन कट होते हैं माजी लेफ्ट साइड ला. अरे ही इथ बघ ना तू, हे हे इथपर्यंत कट होता है त्याच्यात डेस्कटॉप स्क्रीनमध्ये. दो मिनट बेटा. हाँ ठीक, ठीक है. ओके, आर्टिकल 265. आर्टिकल 265 ये कहता है कि इंडिया में कोई भी टैक्स पब्लिक से कलेक्ट नहीं कर सकते जब तक लॉ बनाने की अथॉरिटी ना हो. सर ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्या क्वेश्चन? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो मेरे क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज मैनर में दिया हुआ है. कॉन्सेप्चुअली हमारे डिस्कशन तो क्लास में चलेगा ही, पर उसके बाद भी अगर आप डेली बेसिस पे जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाता है अगर आप पढ़ लो तो आपको एक आइडिया आ जाती है कि एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैसे करना है. नो डाउट हम टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे,
साथ साथ में मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं हमारे रेगुलर नोट्स में, वो भी सॉल्व करते वक्त मैं आपको बताऊंगा ही कि एग्ज़ाम में कैसे आपको सॉल्व करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप थोड़ा भी मेरे साथ डेली हाफ आवर भी पढ़ते हो, सिर्फ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनर भी पढ़ लो तो आपका रिविज़न हो जाएगा, सो दैट आपका एक अलग अप्रोच से पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। तो नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 245 जो है ये पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक द लॉ फॉर इंडिया, और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक द लॉ फॉर स्टेट। और एक बात बता दूँ, दिस रिविजन फॉर यू नॉट फॉर मी। मैंने इतने बार पढ़ लिया IDT कि अगर नींद में भी मेरे को आँखें बंद और नींद भी आती रही तो भी बता दूंगा क्या चालू है, इसलिए ये रिविजन आपके लिए है। आई नीड योर फोकस, अंडरस्टूड। जो ऑनलाइन कनेक्टेड है और वो भी ध्यान दें। उसके बाद में हमने देखा था कि GST आने के पहले 2017 में GST आने के पहले बहुत सारे टैक्सेस थे गुड्स और सर्विसेज। सर क्या ये एग्ज़ाम में लर्न करना है? नहीं, ये पूरी डायग्राम ये कैसे लगता था एग्ज़ाम में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको समझा होगा कि ये बेसिक कितना इम्पॉर्टेंट है VAT समझने के लिए, ओके, क्रेडिट समझने के लिए, सेट ऑफ समझने के लिए, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले जो है यहाँ अगर आप देखते हो तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लग जाता था? एक्साइज। उसके बाद में क्या लगता था? VAT। उसके बाद में OCTRA, LVT, ऐसे तीनों लेवल पे तीनों गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, ठीक है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। ट्रेडिंग सेक्टर, गुड्स पे डील करने वाले दो ही सेक्टर होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक ट्रेडिंग सेक्टर। उसके ऊपर VAT और OCTRA लगता था। पहले सिर्फ गुड्स डिवाइड होता था इंट्रा एंड इंटर में। इंट्रा स्टेट होता था तो CST लगता था, और इंटरस्टेट होता था तो CST लगता था, और इंट्रा स्टेट के केस में VAT लग रहा है, ओके, VAT लग रहा है। तो अब देखो क्या होता था, CST सेंट्रल टैक्स था लेकिन रेवेन्यू सेलर स्टेट का था, रेवेन्यू सेलर स्टेट का था, ओके। उसके बाद में इंपोर्ट होते तो बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड एडिशनल। अभी एडिशनल नहीं लगता है GST आने के बाद। उसके ऊपर IGST लगता है। उसके ऊपर क्या लगता है? IGST, क्योंकि ACD मर्ज हो गया। तो आज अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो आपको दो टैक्स देने पड़ते हैं, एक है BCD, ध्यान से सुनिएगा, एक है BCD और दूसरा है IGST देना पड़ता है। उसके बाद में OCTRA LVT ख़त्म हुआ, ये भी मर्ज हो गया GST में। सर्विस टैक्स पहले सेंट्रल टैक्स था, ओके, लेकिन अब GST आने के बाद सर्विस टैक्स जो है ये भी इंट्रा एंड इंटर, और इसके ऊपर CGST और SGST दोनों भी प्रोविज़न यहाँ अप्लाई किया जाएगा। एंड ऐसे बाकी सारे टैक्सेस GST में मर्ज हो गया। ये सारे टैक्सेस को मर्ज करके हमने लाया वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, इस कॉन्सेप्ट पे हमने GST को डेवलप किया। इस पर भी हमने बहुत अच्छा खासा डिस्कशन किया था। नाउ ये सारे टैक्सेस को मर्ज करके यहाँ पे जैसे सेंट्रल वालों ने ये लिस्ट लर्न करना एग्ज़ाम के हिसाब से, ऐसा एक सिंबल कर दो एग्ज़ाम के हिसाब से, ई वाला सिंबल, मतलब आपको पूरे नोट्स में क्या क्या एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छे से पढ़ना है तो ऐसा एक सिंबल तैयार कर दो उसका, ई, मतलब ये वाला पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। इज़ इट क्लियर? यस। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि GST में कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए हैं। अलग अलग एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। सर ये क्या था? अब जानने दो ना, पुरानी बात है, उसको पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जब एक्साइज था तब मैं दो लेक्चर इस पर लगाता था कि कौन कौन सी एक्साइज लगती थी, पर अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लर्न करके बस आप दिमाग में रखो। अलग अलग टाइप की एक्साइज ड्यूटी क्या कर दी? मर्ज कर दी गई। क्लियर? ओके। उसके बाद में सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर चार्जेस एंड सेसेस, स्टेट वालों ने भी अपने सारे टैक्सेस मर्ज कर दिए। इसमें याद रखना है ये जो अंडरलाइन किया हुआ है जिसका डिस्कशन मैं आगे करूँगा। तो ये सारे टैक्सेस मर्ज करके क्या आ गया? GST। GST जो है, हाँ, कुछ टैक्सेस अभी भी मर्ज नहीं हुए। चलो मेरे साथ एक सर रीड करो और लर्न करो इसको। कौन कौन से टैक्सेस? प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। रीजंस आज बताओगे आपको कि क्यों ये GST में मर्ज नहीं हुए।
ठीक है। फिर हमने देखा कि जैसे जीएसटी आ गया तो अब कोई एक्साइज वैट अलग अलग टैक्सेस नहीं है, अलग अलग टैक्सेस नहीं है, अब एक ही टैक्स है जीएसटी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको, इवन दो सेशन रिकॉर्ड हो रहे होंगे लेकिन मैं बता देता हूँ, पहले क्या होता था, ओके मैन्युफैक्चरर जब बना रहा है तो एक्साइज डिपार्टमेंट वाला आ रहा है, उसको आज चाय पानी अलग, अरे समझ में आया ना, वो रिकॉर्ड चेक करके जा रहा है, चाय पानी समझ में आता है ना, हाँ। वो रिकॉर्ड वो परेशान कर रहा है, जीएसटी का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ आपको बता दो, वो परेशान कर रहा है, उसके रिकॉर्ड्स अलग, उसके कंप्लायंसेस अलग, उसका चाय पानी अलग, सब कुछ अलग, उसको मेंटेन करके रखो। फिर वैट वाला आता था, वो कहता था सेंट्रल से हमको क्या लेना देना, हमारा चाय पानी अलग, अरे है ना। लोकल बॉडी वाला आता था, वो कहता था हमारा चाय पानी अलग। इतने चाय पानी हो जाते थे कि बिजनेस अलग चाय पानी। लेकिन अब जो है, अब एक ही टैक्स लगता है, कौन सा, जीएसटी। तो जहाँ तक देखा जाए तो अब कोई आएगा तो भी एक ही चाय पानी, एंड दैट इज जीएसटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे पता है यार, चलो आप फील नहीं कर पाओगे, मैंने जब एक्साइज ऑडिट किए, मैं जी यहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट के पैनल में था 2011 तक, और जब मुझे डिपार्टमेंट के एक्साइज ऑडिट आते थे तो मैं देखता था कि जब मैं ऑडिट करना कर रहा हूँ क्या, जब तो इंडस्ट्री ऐसी परेशान होती थी, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, सर आप एक्साइज में बोल रहे हो ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करो, उधर वैट वाले हमें परेशान कर रहे हैं, उधर एलबीटी वाले हमें परेशान कर रहे हैं, और हमें कंप्लायंस करने में बड़ी दिक्कत जा रही है। हाँ नहीं नहीं, मैं ऑडिटर था, मैं कहाँ से चाय पानी लूँगा, ठीक है। हाँ, कोई अगर बात डिस्क्लोज नहीं करनी है तो चाय पानी अलग है। तो जहाँ तक देखा जाए तो मैं आपको ये बता दूँ कि जीएसटी आने के बाद बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अब एक ही टैक्स, और वो है जीएसटी। नो डाउट जीएसटी ड्यूअल मॉडल में आया, वो ड्यूअल मॉडल मतलब, ड्यूअल मॉडल में आया मतलब कि जीएसटी CGST और SGST, ऐसे दो टैक्स लगेंगे, और इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो IGST लगेगा। तो इस तरह से ड्यूअल मोड ई लिख देना यहाँ पे, एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकती है। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्यूअल मॉडल ऑफ GST, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए ड्यूअल मॉडल ऑफ GST में। उसके बाद में जहाँ तक देखा जाए, हाँ, जो भी कंट्री में GST इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें ड्यूअल मॉडल में CGST और SGST या नेशनल GST। इंडिया में जब GST लाया गया तो एक यूनिक फीचर के साथ आया, और वो है IGST। जब इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो इंटरस्टेट सप्लाई के केस में IGST लगाया जाएगा, और ये इंडिया का ही यूनिक फीचर है, ठीक है। और IGST का रेवेन्यू इतना बढ़िया अलोकेट किया इन्होंने, आज हमारे वैट कॉन्सेप्ट हमने देखे, उसके बाद में थोड़ा और IGST पे डिस्कशन लूँगा कि किस तरह से रेवेन्यू एलोकेशन हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो IGST ये इंटरस्टेट सप्लाई पे लगता है, और IGST का रेट मुझे बताओ ड्यूएल में होता है या सम ऑफ CGST प्लस SGST? सम ऑफ CGST प्लस SGST, इज इट क्लियर? चलिए उसके बाद में हम आगे, हाँ मुझे बताओ, हम डायरेक्टली वैट पे चले गए थे ना, हाँ वैट पे आ जाते हैं। जो बेटा ऑनलाइन कनेक्टेड है समझ में आ रहा है, समझ में क्या रिवीजन है बेटा, ये आ रहा है ना, हाँ कहाँ गया, ओके तो हमने देखा था ट्रांजेक्शन विदाउट वैट अंडर सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का नाम जब क्रेडिट अलाउ हुए तो गवर्नमेंट ने नाम बदल दिया सेल्स टैक्स का, और उसका नाम रखा फिर वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स ये टैक्स नहीं है दोस्तों, ये एक मैकेनिज्म है। जो भी कंट्री सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाएगी, ये एक मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म जो है यहाँ पे उनका कहना क्या है कि जो भी कंट्री
वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाएगी उसे कहा जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स। और ये मैकेनिज्म आप कोई भी टैक्स स्ट्रक्चर में जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें यूज़ कर सकते हो। पता नहीं आपने कभी नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, एक्साइज में जब वैट आया तो उसका नाम हुआ सेन वैट। कभी सुना है सेन वैट? ओके हाँ, एक्साइज को नाम दिया गया सेन वैट और सेल्स टैक्स को नाम दिया गया वैट। सेन वैट वर्ड आ सकता है पढ़ते पढ़ते, तो सेन वैट वर्ड आएगा तो समझ लेना इट्स अ क्या, एक्साइज। इज इट क्लियर? तो जीएसटी भी वैट मॉडल पे ही है। वैट एक मॉडल है जो कहता है कि सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगाया जाए। इज इट क्लियर? चलिए, तो आपने इंडिया में वैट मॉडल कैसे यूज किया? हम डायरेक्ट 50,000 का 10% नहीं पे करते। और ये सब जो भी स्टूडेंट्स आज फर्स्ट सेशन देख रहे होंगे, बॉस ये देख के आओ नहीं तो आगे कुछ समझने वाला नहीं। हमने कम से कम 2 घंटा ये डिस्कशन किया है, ठीक है? तो हम डायरेक्ट 50,000 का नहीं देखें। इंडिया में ऐसा है, बिल बनाओ, बिल बना के आउटपुट टैक्स निकालो सो दैट कस्टमर को भी ट्रांसपेरेंट टैक्स दिखे। अरे है ना, तुम्हारे परचेस के बिल पे टैक्स आएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो आएगा वही टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। क्लियर? यस और नो? तो टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, इसके बहुत गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऐसे देखो तो ऐसा लगता है कम हुआ, पर एक्चुअली गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं हुआ, ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल में आई, प्रोडक्शन बढ़ा, डिमांड बढ़ी, प्राइजेस कम हुई, बहुत सारे बेनिफिट्स मिले वैट आने के बाद। तो ही तो फिर जीएसटी सोचा गया 2017 में। इज इट क्लियर? चलिए दोस्तों, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू वैल्यू एडेड टैक्स। एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा कि भाई किस तरह से अल्टीमेट कंज्यूमर तक क्रेडिट पास ऑन होते जाता है, और एक मैजिक मैंने बताया था, जितना लास्ट टैक्स उतना टोटल कलेक्शन, ठीक है? जितना लास्ट टैक्स उतना टोटल कलेक्शन, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है? चलो उसके बाद में, हाँ अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। पर हाँ, जिसने पहले 2 सेशन नहीं देखे मैं डाउटफुल हूँ, ठीक है, कि वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? चलो, अब ये जो सेंट्रल टैक्सेस स्टेट टैक्सेस कैसे मर्ज हुए इसकी पूरी हिस्ट्री समझ लो, मज़ा आएगा आपको। और जीएसटी के क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे डेवलप हुआ है ये भी हम देखेंगे। जैसे प्रॉब्लम इन टैक्स क्रेडिट सिस्टम इंडिया बिफोर 1 जुलाई 2017, मेरे साथ आप लिखते जाना। समझ लो एक मैन्युफैक्चरर है, ध्यान दीजिएगा सभी, ये मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीद रहा है अनादर मैन्युफैक्चरर से। कम ऑन, अनादर मैन्युफैक्चरर से अगर वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो बताओ उसके बिल में क्या क्या लग के आएगा? पुराना एक्साइज, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, वैट क्योंकि सेल है, ऑक्ट्रायल बीटी, समझ में आया ना? ऑक्ट्रायल, यहाँ तक सबको क्लियर? इधर क्लियर? अच्छा, मैं अभी डिस्कशन में ऑक्ट्रायल बीटी नहीं लेता हूँ, मैं मेन मेजर 2 टैक्सेस लेता हूँ, कौन से? एक्साइज एंड वैट। डन? क्लियर बेटा? चलो, तो अब यहाँ पे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, वैल्यू ले लो यहाँ पे रॉ मटेरियल की, मेरे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है, लिखो इनवॉइस या परचेस इनवॉइस, आप ऐसा भी लिख सकते हो परचेस इनवॉइस, वैल्यू 1,00,000 रुपये, लिखते जाओ मेरे साथ। ई एक्स मतलब एक्साइज ड्यूटी, ऊपर लिख देना ई एक्स मतलब एक्साइज ड्यूटी @10%, कितना हुआ? 10,000, टोटल 1,10,000, टोटल 1,10,000। उसके ऊपर क्या लगा? वैट, अज्यूम करो रेट 10%, यानी कितना हुआ? 11,000, 1,21,000, ये तो हुआ। देखो बेटा, जब भी कोई बिजनेस खरीदता है, बिजनेस प्रोवाइड करता है, फिर वो मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर,
वो गुड्स और सर्विसेज दोनों खरीदता है। जैसे एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीद रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स, सर्विसेज भी खरीद रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर्विसेज कौन सी, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉब वर्क सर्विस, प्रोसेसिंग सर्विस, उसके बाद में जहाँ तक देखा जाए बिजनेस चलाने के लिए मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट सर्विस, अरे आया ना, टेलीफोन सर्विस, दुनिया भर की सर्विसेज वो बिजनेस में यूज़ करता है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वो खरीदता है सर्विसेज। हर बिजनेसमैन की दो परचेसेस होती ही होती है, कोई भी बिजनेसमैन, एक गुड्स की और एक सर्विस की। आज मैं भी यहाँ एक प्रोफेशन चला रहा हूँ और मैं अपने प्रोफेशन में दोनों चीज़ें परचेस कर रहा हूँ। कैमरा खरीदा, लाइट्स खरीदे, लैपटॉप खरीदा, ये गुड्स परचेस किया। ओके, बुक्स के लिए पेपर खरीदा, आपको जो बुक दे रहा हो पेपर खरीदा, बेंचेस खरीदे, ये गुड्स की परचेस है। तो सर्विसेज की परचेसेस, तो फैकल्टी की सर्विस ले रहा हूँ, ये समझ में आया क्या, फैकल्टी की सर्विसेज ले रहा हूँ, इंटरनेट सर्विस ले रहा हूँ, एडिटिंग सर्विस ले रहा हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट सर्विस ले रहा हूँ, पब्लिसिटी सर्विसेज ले रहा हूँ, यस और नो? तो ये गुड्स और सर्विसेज परचेस होते ही है। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स खरीदे, जब गुड्स खरीदता है तो गुड्स पे लगती है एक्साइज, वैट। ये समझा या नहीं समझा? यस, कम ऑन, इधर बताओ। ठीक है, तो वो गुड्स तो खरीद रही है लेकिन समझ लो सर्विस भी खरीद रहा है, दुनिया भर की सर्विसेस है और सर्विसेज खरीद रहा है। तो बताओ 2017 के पहले जब सर्विस खरीदता था तो कौन सा टैक्स लगता था? बोली बोली, कौन सा टैक्स लगता है? सर्विस टैक्स। 2017, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे पर जीएसटी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो अगर आप सर्विस टैक्स यहाँ पे समझ लो सर्विसेज खरीद रहे हैं, अब मैं एक नाम देता हूँ, ये लर्न कर लेना, जब आप गुड्स खरीदते हो तो उसको कहा जाता है इनपुट। आई रिपीट, जब आप गुड्स खरीदते हो तो उसको कहा जाता है इनपुट। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो इनपुट, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो इनपुट। और जब आप सर्विसेज खरीदते हो तो उसको कहा जाता है इनपुट सर्विसेज। ओके, तो यहाँ इनपुट सर्विसेज, आपने खरीदी हुई सर्विसेज फॉर बिजनेस। ओके, इनपुट सर्विसेज, इसका अगर मैं इनवॉइस ले लूँ कि भाई मुझे इनवॉइस मिला तो वैल्यू 50,000 समझ लो, और उसके ऊपर सर्विस टैक्स, उसके ऊपर सर्विस टैक्स एट द रेट 15%, पहले 15% सर्विस टैक्स लगता था, कितना रहा है 7,500, ये सर्विस का बिल आया, यानी 57,500। मैं ऐसा समझ लो सारी सर्विसेज 50,000 में आ गई, जितनी भी मैंने खरीदा सारी सर्विसेज 50,000 में यहाँ पे आ गई। इज इट क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? प्लीज बताइए, अभी क्लियर है? डन, आवाज सबको ही प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, हेलो, 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 चलिए। अभी यहां पे आपने गुड्स खरीदा, यहां पे आपने सर्विसेज खरीद ली, ठीक है। अब ये गुड्स और सर्विसेज सब मिला के दो टाइप की सर्विसेज होती है, सुनना, बहुत एडवांस लेवल पे डिस्कशन जा रहा है और मैं सबका कॉन्सेंट्रेशन यहां पे चाहूंगा। दो टाइप की सर्विसेज होती है, एक इनहाउस सर्विस, एक खरीदी हुई सर्विस। अब इनहाउस सर्विस मतलब मेरे एम्प्लॉय, मैंने खरीदा है उनकी सर्विस कि वो उनको सैलरी दे रहा हूं, उनकी कोई बिलिंग नहीं आती मेरे पे,
उनको सैलरी, वो इन हाउस सर्विस बोली जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ले रहा हूँ कि जो सर्विस मैंने बाहर से खरीदी हुई है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये सारी मिला के मैं बना रहा हूँ गुड्स, और ये गुड्स मेरा मैन्युफैक्चर हुआ, मैं सेल कर रहा हूँ। बताओ, ये गुड्स अगर मैं सेल कर रहा हूँ, जो मैंने मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके सेल किया, आई रिपीट, मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके सेल किया, तो बताओ क्या लगेगा वापस से? नहीं नहीं, मैंने भी मैन्युफैक्चर किया, मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग इवेंट को टच किया, मैंने मैन्युफैक्चर, कुछ याद आया ना, मैंने मैन्युफैक्चरिंग इवेंट को टच किया फिर से, और मैंने उसको सेल भी किया, ये समझ में आया? तो क्या लग जाएगा? एक्साइज और वैट फिर से लग जाएगा। समझ लो मेरी वैल्यू जो है सेल वैल्यू, तो मेरा इनवॉइस बन रहा है, और मेरी यहाँ पे सेल्स प्राइस है, और मेरी सेल प्राइस है यहाँ पे 3 लाख रुपीस। कितना बेटा? 3 लाख। लिखते जाओ मेरे साथ, लिखते जाओ मेरे साथ ही, ये डायग्राम कंप्लीट होनी चाहिए। सेल प्राइस, उसके ऊपर क्या लगेगी? एक्साइज ड्यूटी, कितना? एट द रेट 10%, तो कितना? 30,000। टोटल 3 लाख, 30,000। फिर वापस कौन सा टैक्स लगेगा? वैट, वैट एट द रेट 10%, कितना? 33,000। टोटल 3,63,000। कंप्लीटली नेक्स्ट हाफ आवर मेरे साथ इन्वॉल्व रहना है, ठीक है। अब देखो, आप बताना मुझे, मेरे दो इनपुट थे, बताओ कौन से दो इनपुट थे? मेरा गुड्स और मेरी सर्विसेज, ठीक है। 2017 के पहले ये बताइए, एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी वो स्टेट टैक्स था या सेंट्रल था? कुछ याद आया? सेंट्रल था, ये सब। तो ये जो टैक्स था ये सेंट्रल था, वैट क्या था? वैट क्या था? स्टेट, स्टेट टैक्स था, ये सब नो। और उसके बाद में सर्विसेज जब मैं खरीदता था तो सर्विस टैक्स क्या था 2017 के पहले? नहीं याद करो, बताओ, स्टेट था या सेंट्रल था? सेंट्रल था, कुछ याद आया? तो सर्विस टैक्स सेंट्रल था, हमने डिस्कस किया था, ये सुनो। अब सर्विस टैक्स सेंट्रल था, और अब मेरे आउटपुट में टैक्स लग रहा है, मेरे आउटपुट में जो टैक्स लग रहे हैं, ये एक्साइज क्या है बेटा? सेंट्रल, एक्साइज सेंट्रल है, और वैट, वैट स्टेट है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, नो डाउट इंडिया में क्रेडिट सिस्टम आ चुके थे, सेंट्रल में भी आ चुके थे और स्टेट में भी आ चुके थे, ये सर नो। अब मेरे आउटपुट में सेंट्रल टैक्स है और मुझे क्रेडिट चाहिए, वैट कंसेप्ट इंडिया में आ चुका था, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीएसटी में आया, ये समझ में आया? जीएसटी के पहले भी वैट सिस्टम आ चुका था, सेंट्रल में और स्टेट में भी। मुझे बताओ, मुझे 30,000 रुपये देना है गवर्नमेंट को, मेरा टैक्स असेस हुआ ऑन माय सेल प्राइस 30,000, क्लियर? ये 30,000 में से मुझे सेटअप लेना है, इज इट क्लियर? तो सेटअप मुझे किसका मिलेगा? एक्साइज के अगेंस्ट में सेटअप किसका मिलेगा? एक्साइज का सेटअप मिलेगा। फिर से कह दूं, सेटअप में अगर कोई दिक्कत होगी तो धीरे धीरे क्लियर हो जाए। अब सेटअप क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, ये सब हम दिख चुके हैं। मान लो कि सेटअप, अभी अभी आगे का डिस्कशन नहीं कर पाओगे जब तक ये नहीं मानोगे कि सेटअप मिलता है, ये समझ में आया क्या? इसलिए दिमाग में फिट कर लो, मिलता है बस, इज इट क्लियर? तो अब एक्साइज के अगेंस्ट में अगर मैं बात करूं तो कॉमन सेंस क्या कहता है? जो आपने परचेस पे एक्साइज दी उसका सेटअप मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का फंडा ऐसा था, सेंट्रल टैक्स के अगेंस्ट में सेंट्रल टैक्स से सेट ऑफ। लो कैलकुलेटर, सारे कैलकुलेटर निकालो। आपका आउटपुट टैक्स कितना है? 30,000 माइनस एक्साइज का सेट ऑफ ले लो। चलो इस बार एक बार जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री कैसे होगी? जर्नल एंट्री कर लेते हैं, पुरानी जर्नल एंट्री, पहले सेल की मारो जर्नल एंट्री।
कस्टमर अकाउंट डेबिट या कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स 3 लाख, टू एक्साइज ड्यूटी पेबल, टू वैट पेबल, अरे आया ना, दो टैक्सेस देना है, या एक्साइज ड्यूटी रिसीवेबल, सॉरी एक्साइज ड्यूटी क्रेडिट रिसीवेबल एंड वैट क्रेडिट रिसीवेबल, इज इट क्लियर? डन? कुछ याद आया? हाँ, तो अब आपने कैलकुलेटर लिया, 30,000 में से आपने कितने कट कर दिए? 10,000. स्टेटमेंट बनाएंगे, आउटपुट टैक्स माइनस ITC. ओके, 10,000 माइनस ITC मिल जाएगा. लेकिन गवर्नमेंट कहती थी आप सिर्फ एक्साइज मैच मत करो, सेंट्रल मैच करो. सेंट्रल मतलब आपको आउटपुट सेंट्रल कितना देना है? 30. और आपके दो सेंट्रल है इनपुट में. कौन से दो सेंट्रल है बोलो, कौन से? एक्साइज भी है और सर्विस टैक्स भी है. इज इट क्लियर? तो आप दोनों के सेट ऑफ ले सकते हो. और ख्याल रहे, सेट ऑफ इनपुट के मिलते हैं. समझ में आया? सर आप इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हो, हमको समझ गया ना? नहीं समझा आपको. सर क्यों? एक स्टूडेंट मेरे को आके पूछा था लास्ट टाइम, सर मेरे दो गुड्स बेचता हूँ, ए और दूसरा गुड्स क्या, बी, दोनों मेरा आउटपुट है. सर मैंने ए पे टैक्स दिया और अब बी पे टैक्स आ रहा है. समझ में आया क्या? सर तो ए पे जो टैक्स दिया वो बी के सेट ऑफ में मिलेंगे? दो खींच के, दोनों आउटपुट है, आउटपुट के सेट ऑफ आउटपुट में नहीं मिलता है. समझा क्या? इसलिए चिल्ला के बोला मैंने, आप आउटपुट के सेट ऑफ आउटपुट में नहीं मिलते, सेट ऑफ तुम्हारे इनपुट के मिलते हैं. इन सिंपल वर्ड परचेसेस के मिलते हैं. इन सिंपल वर्ड परचेसेस. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, तो ऐसे केस में बेटा ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बताइए. ठीक है. तो जहां तक देखा जाए तो यानी 30,000 में से 10,000 गए और 7,500 को, थोड़ा स्लो जा रहा हूँ पर जरूरी है. तो साथ बाकी का पेबल आएगा तो लिखो यहाँ थोड़ा स्मॉल हैंडराइटिंग में, खेलना मत, स्मॉल हैंडराइटिंग में लिखो. अच्छा मुझे बताओ, अच्छा चलो ठीक है, एक पॉइंट और ले लेता हूँ. इसके आउटपुट में दो लायबिलिटी है, एक कौन सी? सेंट्रल की, एक एक्साइज यानी सेंट्रल की, और दूसरा कौन सा? वैट का, स्टेट का है. तो इसके दो स्टेटमेंट बनेंगे. दो कौन से? नेट एक्साइज पेबल और नेट वैट पेबल. अच्छा मुझे बताओ, वैट के पेमेंट के लिए, सुनना आप ध्यान से, वैट का पेमेंट आ रहा है और इसके भी अगेंस्ट में सेट ऑफ, तो सेट ऑफ किसके मिलेंगे वैट के पेमेंट के लिए? वैट का सेट ऑफ, वैट के पेमेंट के लिए वैट का सेट. तो बेटा पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि सेंट्रल के पेमेंट के लिए सेंट्रल का सेट ऑफ, स्टेट के पेमेंट के लिए स्टेट का सेट ऑफ. इज इट क्लियर? सर अगर मेरे पास एक्साइज के क्रेडिट ज्यादा है तो क्या मैं एक्साइज के क्रेडिट वैट में यूज कर सकता था क्या? नहीं. क्या वैट के क्रेडिट एक्साइज में यूज कर सकता था? नहीं. ओके, सेंट्रल अलग, स्टेट अलग. क्लियर? इधर बताओ. डन? वो नहीं, सेंट्रल बोलेंगे भाई मैं मेरे रेवेन्यू से क्यों सेट ऑफ दू? स्टेट वाला स्टेट देखे, सेंट्रल वाला सेंट्रल देखेगा. आई होप यू अंडरस्टूड. तो ऐसे सिचुएशन में दो स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे. लिखो, पहला नेट एक्साइज ब्रैकेट में सेन वैट, सेन मतलब सेंट्रल, सेन वैट, नेट एक्साइज ब्रैकेट में सेन वैट पेबल. लिखो आउटपुट एक्साइज कितना था हमारा? 30,000 लेस ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट. उसमें पहला डैश क्या था? एक्साइज ऑन इनपुट एंड दूसरा सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विसेज. मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा अभी. आई मतलब इनपुट, IS मतलब इनपुट सर्विसेज. कितना था इनपुट का एक्साइज? 10,000.
और इनपुट सर्विसेज का 7500, 7500, ठीक है। तो नेट एक्साइज पेबल, नेट एक्साइज ड्यूटी पेबल गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 12,500। दिस स्टेटमेंट इज ओवर, यस और नो? दूसरा स्टेटमेंट बनता था नेट वैट पेबल, नेट वैट पेबल, ठीक है। लिखो आउटपुट टैक्स वैट, आउटपुट टैक्स वैट कितना है? 33,000। आउटपुट टैक्स वैट 33,000। लेस क्या बेटा? आईटीसी, जिसमें इनपुट टैक्स वैट 11,000। तो नेट वैट पेएबल 22,000, यस। चलो ये 12,500, 12,500 का पेमेंट किसको, कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? सेंट्रल। और ये पेमेंट स्टेट को जाता था। डन, क्लियर, ओके। चलिए, आपने ये कैलकुलेशन में एक पार्ट देखा क्या? डबल टैक्सेशन वैट आने के बाद भी थे। कैसे थे डबल टैक्सेशन वैट? जब हम वैट निकालते हैं तो एक्साइज को भी ऐड करते थे। हाँ, वैट गवर्नमेंट कहती थी, वो हमें नहीं पता, वो सेंट्रल वाले देखते बैठे। हम तो एक्साइज को ऐड करके टैक्स निकालते, यानी डबल टैक्सेशन पहले भी था। आई होप यू अंडरस्टूड। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आउटपुट में सेंट्रल भी था और स्टेट भी था, तो उसको दोनों के क्रेडिट मिल गए। दोनों के मतलब सेंट्रल के और स्टेट के। डन। अब देखिए बेटा, दूसरा एक सेक्टर लेता हूं, सर्विस प्रोवाइडर। मुझे बताइए, कॉमन सेंस है कि मैं जब आपको बिल देता हूं, वी स्मार्ट एकेडमी जब आपको इनवॉइस दे रही है, तो गुड्स का दे रही है या सर्विस का? सर्विस का बिल दे रही है। अगर मैं सर्विस का बिल दे रहा हूं, तो इस पर 2017 के पहले कौन सा टैक्स लगना चाहिए? जीएसटी नहीं, 2017 के पहले सर्विस टैक्स लगना चाहिए था, यस और नो? तो सर्विस टैक्स ही लगेगा क्या? जब वी स्मार्ट 2017 के पहले जब बिल देता था, तो क्या एक्साइज लगेगा? नहीं, क्योंकि एक्साइज गुड्स पर है। क्या वैट लगेगा? नहीं, क्योंकि वैट गुड्स पे, सेल ऑफ गुड्स पे। इज इट क्लियर? एक ही टैक्स था, क्या था? सर्विस टैक्स। अब देखो, वी स्मार्ट ने गुड्स खरीदे फॉर सर्विस, आई एम सर्विस प्रोवाइडर। और सिर्फ वी स्मार्ट का एग्जांपल नहीं, एवरी सर्विस प्रोवाइडर, इट में बी इंटीरियर डेकोरेटर, इट में बी आर्किटेक्ट, इट में बी कंसल्टेंट, कोई भी सर्विस, रिपेयर मेंटेनेंस, समझ में आया क्या? वो गुड्स खरीद रहा है, मैं भी गुड्स मैन्युफैक्चर से खरीद रहा हूं। अब इमेजिन करो, मैंने गुड्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से खरीदा, क्या लग के आएगा? गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदा, क्या लग के आएगा? एक्साइज वैट, यस और नो? तो चलो एक काम करो, ऊपर एग्जैक्टली कॉपी कर, मैं अमाउंट सेम रखूंगा तीनों एग्जाम्पल में। तो इसका नाम देते हैं इनपुट, चलो फटाफट लिखो मेरे साथ, इनपुट, इनपुट और आपका परचेस इनवॉइस, आपका परचेस इनवॉइस, जिसमें वैल्यू, आपका परचेस इनवॉइस जिसमें वैल्यू, सर एक्सेस आईटीसी होगा। बेटा मैं पहले ही कह रहा हूं कि प्लीज इन बिटवीन क्वेश्चन मत पूछो, जब मैं बोलू तब पूछो, सो दैट आपका क्वेश्चन स्क्रोल नहीं होगा और आपका आंसर सही मिलेगा। रिफंड आईटीसी के नहीं मिलते हैं, हम आगे देखेंगे, ठीक है। वैल्यू सेम रखो, 1,00,000 रुपये, एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 10%, 10,000, कितना हो? 1,10,000, और बाद में क्या रहेगा? वैट, वैट एट द रेट 10%, यानी कितना? 11,000,
ठीक है। देन अभी जहाँ तक देखा जाए तो ये जो है जो भी टोटल प्राइस आई, ये गुड्स खरीदा, उसके बाद में सर्विस लिया समझ लो वी स्मार्ट ने। कौन कौन सी सर्विसेज लिया? फैकल्टी सर्विस लिया, इंटरनेट सर्विस लिया, टेलीफोन सर्विस लिया, एडिटिंग सर्विस लिया, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज लिया, इंटरनेट सर्वर सर्विस लिया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज लिया। ये समझ में आया क्या? तो सर्विसेज लिया जिसको नाम दो इनपुट सर्विस, और इनपुट सर्विस की वैल्यू 50,000। और 2017 के पहले कौन सा टैक्स पे होता था उसके ऊपर? सर्विस टैक्स 7,500 एट द रेट 15%। ठीक है। अब एक मिनट, मेरा आउटपुट क्या है? मेरा आउटपुट गुड्स है या मैं स्टूडेंट को सर्विसेज दे रहा हूं? मैं स्टूडेंट को सर्विसेज दे रहा हूं। डन। तो यहां लिखो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज वैल्यू समझ लो 3,00,000 मेरा टोटल कलेक्शन हुआ। इसके ऊपर 2017 के पहले कौन सा टैक्स लगता था? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स एट द रेट 15% बना लो। कितना हुआ? 45,000 सर्विस टैक्स लग रहा है। ठीक है, ये मेरा आउटपुट है। चलो अलोकेट कर दो इनपुट पे। एक्साइज कौन सा टैक्स है, स्टेट या सेंट्रल? सेंट्रल। वैट स्टेट, वैट स्टेट। इधर सर्विस टैक्स कौन सा टैक्स था? सेंट्रल। सर्विस टैक्स सेंट्रल था। मेरे आउटपुट में कितने टैक्सेस लग रहे हैं? एक ही टैक्स लग रहा है। 2017 के पहले सर्विस टैक्स स्टेट था या सेंट्रल? पूरा सेंट्रल था। इज इट क्लियर? पूरा सेंट्रल था सर्विस टैक्स। अगर सर्विस टैक्स पूरा सेंट्रल था तो अब मुझे बताओ कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर मुझे क्रेडिट लेना है। और देखो क्रेडिट या सेट ऑफ सबको अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा क्रेडिट, क्योंकि वो टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हो, समझ में आया ना, उतना क्रेडिट मिलेगा। वो आप क्रेडिट क्या ले रहे हो? वो टैक्स ऑलरेडी आप सप्लायर को दे चुके हो, उसने आप पे बर्डन पास ऑन कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। तो क्रेडिट अच्छे लगते। एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, शायद आपके दिल को छू जाए बात और अच्छे समझ में आ जाए। समझ लो एग्जाम का टाइम है और कि बच्चे के पास बिल्कुल पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है। ये रेगुलर सिचुएशन है। ठीक है, वो आया मेरे पास, सर मैंने जीएसटी अभी तक पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, फास्ट ट्रैक कोर्स दे दो आपका, कितना क्या प्राइस है? मैंने कहा 3,000। उसने फास्ट ट्रैक कोर्स ले लिया फटाफट। दो तीन लेक्चर के बाद, क्योंकि पहली बार जीएसटी पढ़ रहा था, दो तीन लेक्चर के बाद समझ में आया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मेरे पास आया, सर नहीं समझ में आ रहा है फास्ट ट्रैक कोर्स में, रेगुलर कोर्स दे दो। अरे यार, मैंने कहा ठीक है रेगुलर कोर्स ले लें। मैंने कहा रेगुलर कोर्स मेरा 8,000 का। अब एक स्टूडेंट क्या बोलेगा? मैं अब स्टूडेंट क्या बोलेगा मुझे? भाई सर तीन तो मैंने पहले ही दे दिए सर, सिर्फ तीन लेक्चर देखे सर, कसम से तीन ही एक्टिवेट किए थे, कसम से देख लो सर आप पूरा। मैंने कहा नहीं वो अलग। अरे है ना, नहीं नहीं सर वो 3,000 सेट ऑफ कर दो ना सर, वो ऑलरेडी दे दिए ना सर मैंने वो। नहीं, समझ में आया क्या? ओके नहीं वो अलग। सर प्लीज सर समझो ना बात को। पहले ऐसा ही होता था गवर्नमेंट, अब इंडस्ट्री ऐसा ही बोलती है, सर मैंने परचेसेस पे दे दिए ना टैक्स। नहीं वो अलग या अलग। अरे समझ में आया क्या? गवर्नमेंट पहले ऐसे ही करती थी, इंडस्ट्री परेशान थी। अब आपके दिल को छू गया होगा एग्जाम्पल, जब अपने पे आती है तब समझ में आता है। समझ में आया क्या? तो ऑब्वियस है यार, आपने दो तीन लेक्चर देखे, आपको समझ में नहीं आया। तो मैं कहूँगा ठीक है यार वो 3,000 काट के बाकी के 5,000 दे दे। अरे है ना, वो की ब्लॉक कर देता हूँ। क्लियर?
वैसा ही क्रेडिट कंसेप्ट है। जब आपने परचेजेस में दे दिए हैं, बर्डन पास ऑन हो गया है, आई होप, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में मेरे आउटपुट में सर्विस टैक्स है सेंट्रल। हमने लॉजिक क्या डेवलप किया, हमने लॉजिक ये डेवलप किया कि सेंट्रल का सेंट्रल में था, स्टेट का स्टेट में था। तो बताओ सर्विस टैक्स के, लो कैलकुलेटर फिर से, हाँ लो फिर से, मुझे कितना सर्विस टैक्स देना है गवर्नमेंट को, 45 माइनस मेरे इनपुट में, अंडरस्टैंडिंग और वर्डिंग का नॉलेज बढ़ाओ, मेरे इनपुट में दो सेंट्रल टैक्सेस है, बताओ कौन से दो सेंट्रल टैक्सेस है, एक्साइज, एक्साइज का सेट ऑफ मिल जाएगा। तो 45 माइनस 10 माइनस 7500। और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है यहां बैठे है, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में गए तो लुट गए, लुट गए तेरी मोहब्बत में। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया, समझ में आया क्या? जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही समझो, और ज्यादा, क्योंकि इसको डेप्थ में मैं लेके जाऊंगा, इसकी डेप्थ मैं पकड़ूंगा और मेरे स्टेप से जाना, ज्यादा अपना अभी दिमाग मत लड़ाना। सर वैसे भी नहीं लड़ा रहे, नींद ही आ रही है आधी ओके, वैसे भी आधी नींद आ रही है, कहाँ लड़ा रहे, वो तो भी सुबह का क्लास थोड़ा बहुत समझ में आता है, शाम को तो हमारा दिमाग लड़ाते ही नहीं है, बोलो क्या लिखना है तो नहीं नहीं सब्जेक्ट कोई भी हो, कॉस्टिंग नहीं, जैसे जैसे सब्जेक्ट कोई भी हो, शाम होती है वो तो ऐसा है, सिर्फ बोलो क्या लिखना है, लिखते जाओ, दिमाग कहाँ लड़ाते। तो अभी डेप्थ में मत जाओ। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ गया कि सर रिफंड मिलेगा क्या? अरे बाप रे, शुरुआत भी नहीं हुई तू तो रिफंड का देख रहा है, एक्सेस क्रेडिट का क्या होगा? अरे ये मेरे स्टेप के साथ चलो, पर मैं आपको एश्योर करता हूं ये इतना अच्छे से समझ जाएगा कि जीएसटी आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, समझ में आया? तो चलिए आ जाओ डिस्कशन पे। सर प्लेयर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वीडियो इज ऑटोमेटिकली गेट अ पॉज, एक मिनट फिर से कह देता हूं, अब इसके बाद नहीं कहूंगा, जो भी आपके टेक्निकल डाउट है क्लास के एंड में अपना ऑर्डर आईडी और अपना प्रेफरेबल टाइम फॉर कॉल बैक। अब चुप, इसके बाद में मुझे कुछ इन बिटवीन नहीं पूछना, ठीक है? चलो तो अब यहां पे 45,000 से ले लिया हमने, कितना पे करना पड़ेगा सर्विस टैक्स मुझे, कोई एक बताओ, कोई एक बताओ, 27,000। चलो स्टेटमेंट बनाओ बाजू में, क्या लिखोगे स्टेटमेंट में? कैलकुलेशन ऑफ नेट सर्विस टैक्स पेएबल, स्टेटमेंट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ नेट सर्विस टैक्स पेएबल, रुक जा बेटा, सीएसटी का क्या होगा बाद में बताओगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट सर्विस टैक्स पेएबल लिखो, आउटपुट सर्विस टैक्स, आउटपुट सर्विस टैक्स कितना, 45,000 लेस आईटीसी, आईटीसी में दो डैश आएगी, कौन सी दो डैश आएगी, फर्स्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट, एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट एंड सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विसेस, ठीक है कितना पेबल आया, 27,500, क्लियर? अब मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे परचेसेस पे मुझे वैट भी पास ऑन हुआ है, ये 10,000 भी मैंने अपने परचेसेस पे दिए हैं। अब मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि हे गवर्नमेंट, मेरे ये 10,000 भी क्या सर्विस टैक्स से एडजस्टमेंट कर लो? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? पहले प्रोविजन ऐसी थी
कि सेंट्रल का सेंट्रल में, मेरे आउटपुट में सेंट्रल ही था, मेरे आउटपुट में स्टेट टैक्स था ही नहीं क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर था। तो गवर्नमेंट कहती थी, गवर्नमेंट कहती थी अगर तेरे आउटपुट में स्टेट होगा तो क्रेडिट ले, नहीं होगा तो क्रेडिट मिलने वाला। अरे सर पर मैंने पे किया ना परचेसेस, अरे सर बट नो बट शट ओनली कट टू कट। समझ में आया क्या सर? मतलब वो क्रेडिट गियो? हाँ गियो। इसका मतलब हम जो जर्नल एंट्री पास करते थे क्रेडिट की, परचेस अकाउंट डेबिट। देखता हूं कौन दिमाग लड़ाता है अपना बंदा। यहां परचेस अकाउंट डेबिट, वैट का एक्साइज का मिल जाएगा पर वैट का नहीं मिलेगा। तो वैट का अगर नहीं मिलता है तो परचेस कितने से डेबिट होगा? वैट का अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है तो परचेस कितने से डेबिट होगा? 1,11,000 से परचेस डेबिट हो जाएगी। समझ में आया क्या? समझ, क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है। क्यों क्रेडिट नहीं मिल रहा है? कम ऑन, क्या मेरे आउटपुट में स्टेट टैक्स ही नहीं है? तो मेरा परचेस अकाउंट डेबिट 1,11,000, दूसरा एक्साइज ड्यूटी क्रेडिट रिसीवेबल कितना? 10,000 टू सप्लायर, यस और नो? अच्छा मेरा अगर परचेस, कम ऑन, डेप्थ बढ़ाओ, मेरा अगर परचेसेस 1,11,000 से रिकॉर्ड हो गया तो क्या मेरी कॉस्ट में क्या वैट ऐड हो गया? मेरे कॉस्ट में ऐड हो गया मतलब मेरे सेल प्राइस में, ये जो सेल प्राइस 3,00,000 है क्या इसमें वैट इंक्लूडेड है? अगर उसमें वैट इंक्लूडेड, उसके ऊपर क्या लग रहा है? सर्विस टैक्स। क्या डबल टैक्सेशन था? हाँ या ना? रेडी नहीं मिलते थे, डबल टैक्सेशन था। तो ये सेंट्रल और स्टेट के झगड़े में, स्टेट झगड़ रहे सेंट्रल झगड़ रहा है, कोई काउंसिल नहीं था, कोई कॉमन कमिटी नहीं थी। समझ में आया क्या? ये काउंसिल नाम जानबूझ के लिया मैंने, क्यों? हाँ, जीएसटी में काउंसिल बना था जिसका नाम था जीएसटी काउंसिल। समझ में आया? तो जो भी है, कोई यहां पे हार्मोनी नहीं थी सेंट्रल और स्टेट में। बस तू तेरा, मैं मेरा, टीटीएमएम, ठीक है, टीटीएमएम। तो ऐसे सिचुएशन में जो सर्विस प्रोवाइडर थे इंडिया के, वो सफर हो रहे थे। उनके 3 इनपुट टैक्स में से 2 एडजस्ट हो रहे थे। कौन से 3 इनपुट टैक्स? बोलो एक साथ, एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट। उसमें से 2 सेट ऑफ मिल रहा था उनको और 1 का बर्डन आ रहा था। मेरे पास कितने सर्विस प्रोवाइडर आते थे 2017 के पहले, सर वैट का कुछ सेट ऑफ, मैंने कुछ नहीं, इट बिकम कॉस्ट क्योंकि तुम्हारे आउटपुट में स्टेट टैक्स ही नहीं है। तो यहां नीचे जगह होगी तो लिखो कमेंट। नीचे जगह होगी तो कमेंट लिखो। बिफोर 2017 देर वॉज नो ITC या सेट ऑफ, देर वॉज नो ITC और सेट ऑफ वैट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, ऑफ वैट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। हेंस It was a cost to supplier of services. Supplier of services. Done? What is the difference between manufacturer or service provider? दोनों में क्या difference था? Manufacturer win-win situation में था। विन-विन सिचुएशन मतलब उसके आउटपुट में भी सेंट्रल स्टेट, इनपुट में भी सेंट्रल स्टेट, सब एडजस्ट हो गया, ठीक है।
तो ये मार्केट अलग था, ये मार्केट अलग था, ये मार्केट अलग था, टैक्स स्ट्रक्चर में ये मार्केट अलग था। कौन सा मार्केट? सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे अलग अलग मार्केट थे और फिर आया, आगे आगे देखो होता है। एक तो था, ये तो हुआ सर्विस प्रोवाइडर। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं ट्रेडर का। ट्रेडर मतलब दोस्तों, ट्रेडर मतलब जो गुड्स परचेस कर रहा है और सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। समझ लो मारुति का मेरा शोरूम है और मैंने मारुति मैन्युफैक्चरर से कार खरीदी। अगर मारुति मैन्युफैक्चरर से कार खरीदी तो क्या लग के आएगा? चलो लिखते जाओ, कॉपी करो ऊपर का, एग्जैक्ट कॉपी करो जो हमने लिखो। इनपुट परचेस इनवॉइस, वैल्यू 1,00,000, एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 10%, कितना हुआ? 10,000, 1,10,000, उसके बाद में क्या लगा? वैट भी लगेगा ना बेटा, परचेस, परचेस में गुड्स खरीदा ना, जिस जो सप्लायर ने बेचा होगा उसने एक्साइज और वैट, क्योंकि उसने सेल किया है ना, ठीक है। वैट एट द रेट क्या? 10%, 11,000, डन। ये हम इनपुट का देख रहे हैं। अच्छा, ट्रेडर सर्विसेज खरीदता है क्या? टेलीफोन वो भी चलाता है, इंटरनेट वो भी चलाता है, सॉफ्टवेयर वो भी यूज करता है, अरे है ना, सिक्योरिटी गार्ड वो भी यूज करता है, रिपेयर मेंटेनेंस वो भी करता है, दुनिया भर की सर्विसेज ले रहा है, यस और नो? और अभी तो क्या है, सारे ट्रेडर्स जो है सोशल मीडिया सर्विसेज ले रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ले रहे हैं, पब्लिसिटी सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। सर्विस इन सिंपल वर्ड, किसी का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में सब दी जाएंगे, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। इज इट क्लियर? तो सर्विसेस वो भी खरीद रहा है, सर्विस तो लिखो इनपुट सर्विस, वैल्यू 50,000 और सर्विस टैक्स एट द रेट 15%, 7,500। हाँ भाई, ट्रेडर ने गुड्स खरीदा और बेचा, परचेस एंड सेल, वो मैन्युफैक्चरिंग नो नहीं कर रहा है, वो परचेस और सेल कर रहा है। तो भाई ये बताइए, जब वो गुड्स बेचेगा, आई रिपीट, जब वो गुड्स बेचेगा, एक्साइज तो आने वाली नहीं है, क्यों नहीं आने वाली एक्साइज? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को टच ही नहीं किया उसने, पर सेल तो किया, तो क्या लगेगा? वैट। चलो लिखो, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स जिसमें वैल्यू हुई 3,00,000, वैल्यू हुई 3,00,000 और ओनली एक टैक्स लगेगा, वैट। अच्छा, ये सर्विस टैक्स क्यों नहीं लगाई इसके ऊपर? क्योंकि ये गुड्स है, गुड्स, समझे ना, ये गुड्स है, गुड्स पे आइदर एक्साइज या फिर एक्साइज एंड वैट, समझ में आया ना, या और वैट। इज इट क्लियर? तो यहाँ वैट एट द रेट 10% है, कितना? 30,000। और कोई टैक्स नहीं। अब मुझे बताओ, एक बार सारे कोट कर दो, एक्साइज सेंट्रल था, अरे यस और नो? वैट, वैट स्टेट था, वैट स्टेट था, सर्विस टैक्स सेंट्रल था, और आउटपुट में वैट स्टेट। अच्छा, कॉमन सेंस लगा, क्या होता था? वैट पेमेंट, लो कैलकुलेटर, वैट पेमेंट के लिए वैट पेमेंट कितना आ रहा है? 30,000। तो वैट के अगेंस्ट में वैट की क्रेडिट मिलते थे, 11,000। बनाओ स्टेटमेंट, बनाओ स्टेटमेंट।
नेट वैट पेबल, बनाओ स्टेटमेंट नेट वैट पेबल। आउटपुट वैट, आउटपुट वैट 30,000, आउटपुट वैट 30,000 लेस आईटीसी में वैट ऑन इनपुट, लेस आईटीसी में वैट ऑन इनपुट कितना हो रहा है 11,000। नेट वैट पेबल ठीक है। अब ये ट्रेडर क्या बोल रहा है, सर मैंने एक्साइज दी है परचेजेस पे, मैंने सर्विस टैक्स भी दिया है परचेजेस पे, क्या मुझे कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा? अरे सर बट दो दो इनपुट टैक्सेस, सर इतना बड़ा टैक्स बर्डन, समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ अगर इसको क्रेडिट नहीं, मतलब ये परचेस में ऐड हो गया, परचेस में ऐड हो गया, इट बिकम कॉस्ट, कॉस्ट मतलब डबल टैक्सेशन, यस और नो? अब ये डबल टैक्सेशन हो गया मतलब ये तो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है कौन? ट्रेडर। देखो एक बार फिर से तीनों सेक्टर देख लो, तीनों सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग विन विन सिचुएशन। भाई मैं तो मजा कर रहा हूं, अरे है ना, क्योंकि मेरे आउटपुट में भी सेंट्रल है, स्टेट भी है, सेंट्रल का सेंट्रल में, स्टेट का स्टेट में। सर्विस प्रोवाइडर कह रहा है कि चल भाई मेरे दो तो एडजस्ट हुए, एक ही नहीं है। ट्रेडर कह रहा है मेरे तो यार एक ही एडजस्ट हुआ और दो मेजर टैक्सेस एडजस्ट नहीं हो रहे और मेरे पर बर्डन आया हुआ है पर मैं सेट ऑफ नहीं ले सकता हूं और ये डबल टैक्सेशन हो रहा है जिसके वजह से प्राइसेस बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रही है तो गुड्स हाई प्राइस पे जा रहा है क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट है। बेटा सो गया क्या? क्योंकि बेटा इस एक काम किया कर तू, रात को 11 बजे शार्प सो जाया कर, किसी से बात नहीं करना ठीक है, कोई कितना भी कहे जानू वानू, समझ में आया क्या? हाँ मैं तेरे को बोल रहा हूं खुशी उसको हो रही है, हाँ ठीक है। हाँ कहां पे थे तो देखिए, तो ऐसे केस में ट्रेडर जो है वो बहुत सफर कर रहा है, उसके कोई टैक्सेस एडजस्ट नहीं है और जिसके वजह से प्राइसेस बढ़ रही है। ओके तो ये सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर एक दिन मिले और इन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट को पूछेंगे कि आप हमारे आउटपुट में भी स्टेट क्यों नहीं रखते हो, अगर हमारे आउटपुट में भी स्टेट होगा तो हम भी एडजस्ट कर लेंगे, पर ऐसा कोई टैक्स नहीं था। फिर हुआ ओके यहां पर, हाँ अब ध्यान से सुनिएगा, फिर क्या हुआ कि यहां पे मैन्युफैक्चरर सेक्टर अलग, उनको सारे क्रेडिट के सेट ऑफ, ट्रेडिंग सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर को लॉस, ओके सेट ऑफ नहीं मिल रहा है, लॉस मतलब नहीं था, प्राइसेस बढ़ रही थी, अल्टीमेटली बर्डन ही पास ऑन होना है पर अननेसेसरी है, प्राइसेस बढ़ रही है, सेट ऑफ नहीं मिल रहे है, ये समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में ओके यहां पर जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी ने यह किया, आपने मत करना फिलहाल पर बताता हूं, जीएसटी ने किया कि चलो ये हटाओ सब कुछ ओके और एक ही नाम रखो, अगर किसी ने गुड्स खरीदा तो क्या नाम होगा? जीएसटी। ये समझा क्या? अगर किसी ने सर्विस खरीदा तो क्या नाम होगा? जीएसटी। अगर कोई बेचेगा तो क्या नाम होगा? जीएसटी। ये समझ में आया क्या? और सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं, एज वेल एज क्या सर्विस प्रोवाइडर, जीएसटी 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 ओके और क्या यहां पे ट्रेडर भी, ट्रेडर भी जीएसटी जीएसटी और जीएसटी, और जीएसटी का क्रेडिट सबको मिलेगा इस तरह से, वन नेशन वन मार्केट, समझ में आया क्या? वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, सभी को सेम प्लेटफॉर्म पे लाते। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में अब यहां कोई भी बंदा हो, इसलिए ये जो मैंने समझाया ये आपको याद नहीं रखना है, पर जीएसटी का जन्म कैसे हुआ
समझ में आया क्या? सभी सेक्टर के प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे हुए, इसलिए मैं अब कोई भी डाउट आपका एक्साइज और सर्विस टैक्स पे एंटरटेन नहीं करूँगा, भूल जाओ सबको। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो जीएसटी का यहाँ पे तो तीनों सेक्टर खुश हो गए। तीनों सेक्टर क्यों खुश हुए? क्योंकि अब आपके परचेसेस पे जीएसटी लगने वाला है, सर्विस के परचेसेस पे जीएसटी लगने वाला है, गुड्स पे भी वैट और एक्साइज अलग से नहीं, क्या लगने वाला है? सिर्फ जीएसटी, और पूरा जीएसटी का क्रेडिट मिलने वाला है। तो सर्विस प्रोवाइडर को सारे क्रेडिट्स मिल रहे हैं, इज इट क्लियर? ट्रेडर को सारे क्रेडिट मिल रहे हैं, डन? तो तीनों लेवल को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, और रियली सुपर्ब सिस्टम था जीएसटी। वो बात अलग है कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, पूरी प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में यहाँ पे ओके, ये जीएसटी, ये प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स क्या क्या थे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम थे? सेंट्रल के क्रेडिट स्टेट में नहीं मिलते थे, स्टेट के क्रेडिट सेंट्रल में नहीं मिलते थे, कैस्केडिंग इफेक्ट था। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नंबर ऑफ टैक्सेस लगते थे, और अब आया ओनली क्या जीएसटी। डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम कहाँ गया? जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखो, डेफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम। तो देखो, एग्जिस्टिंग मतलब यहां लिख दो बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी क्या प्रॉब्लम था? डबल टैक्सेशन। अर्लियर सम आइटम वेयर ट्रीटेड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट लेड्स टू डबल टैक्सेशन। डबल, ये वाला पॉइंट समझ लो, ठीक है? क्या है? फिर से कह देता हूं, बहुत सारा क्लेम होता है कि जीएसटी 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, 20 दिन में, 25 दिन में, 35 दिन में, 40 दिन में, जो भी है। पर मैं आपको ये बता दूं, मेरी कैपेसिटी तो 10 दिन की है, अगर सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना है तो। लेकिन फिर से कह दूं, आपके रूह तक पहुंचना है तो जितना टाइम मैंने डिसाइड किया उतना टाइम तो लगेगा, ठीक है? क्यों ये मैं कह रहा हूँ बता दूं। Earlier, some item were treated both as a goods and service and that led to double taxation. आपने क्या कैच कर लिया? अगर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँ तो देखो दोस्तों, बच्चों आपको पता है डबल टैक्सेशन होता था? आप हाँ कहोगे। देखो इसने यहाँ डबल टैक्सेशन लिखा है, आप भी कहोगे हाँ। रूह को पकड़ो। ओके, आइटम वेयर ट्रीटेड बोथ गुड्स एंड सर्विसेस। एक केस से स्टार्ट करूँगा और फिर एक रियल एग्जांपल दूंगा। एक केस हुई थी एक्साइज की, और एक्साइज की केस थी विको कंपनी की, बड़ी अच्छी केस थी। विको टर्मरिक, नहीं कॉस्मेटिक, कुछ याद आया क्या? विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। अब ये जो एक्साइज का केस हुआ था, ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने विको कंपनी का वो जो क्रीम था वो क्रीम को कॉस्मेटिक में क्लासिफाई किया, और विको कंपनी पे यहाँ पे 18% का एक्साइज लगाया कि भाई आपको 18% का एक्साइज लगा क्योंकि ये विको कॉस्मेटिक है। विको कंपनी ने एक्साइज इस बेस पे नहीं किया था कि ये टर्मरिक है, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे एग्जम्पशन था। तो विको ने कहा कि ये तो टर्मरिक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये समझा है नहीं समझा, तो हम जी एक्साइज नहीं देंगे क्योंकि एग्जम्पशन है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट ये तो कॉस्मेटिक है, और कॉस्मेटिक है तो इसके ऊपर 18% का एक्साइज लगेगा। तो यहाँ केस जो है कोर्ट में चली गई, लड़ रहा है, इधर काउंसलर ऑफ विको कंपनी है, इधर काउंसलर ऑफ डिपार्टमेंट है। तो काउंसलर ऑफ विको कंपनी जो कह रहा है कि माय लॉर्ड, ओके, दिस इज अ टर्मरिक एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होने के वजह से इसका जो रेट रहेगा माय लॉर्ड वो यहां पे एग्जम्पशन रहेगा एंड नो एक्साइज ड्यूटीज पेबल। तो डिपार्टमेंट का काउंसलर, माय लॉर्ड इट इज कॉस्मेटिक, कंपनी खुद ही इसका ऐड कर रही है विको टर्मरिक,
नहीं कॉस्मेटिक, तो ये कॉस्मेटिक होने की वजह से 18% में जाएगा। तो काउंसलर ऑफ विको, माय लॉर्ड ओके, हमने आपने एड देखा होगा, हमने कहा पहले विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, ये समझ में आया क्या? और बड़ी लड़ाई हुई विको टर्मरिक कॉस्मेटिक में। फिर कोर्ट ने कहा कि ये जो है कॉस्मेटिक है। क्यों? कोर्ट ने अपने लॉजिक दिया कि भाई जनरली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है। अरे समझा है नहीं? और विको जब सेल होता है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं। दूसरा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की एक जनरल डेफिनेशन है, इट इज टू क्यूर एंड नॉट टू केयर। समझा है नहीं? और ऐसे केस में विको क्रीम जो है ये टू केयर एंड नॉट टू क्यूर, इसलिए ये फार्मास्यूटिकल नहीं माना जाएगा। और सो यहां पे डिसाइड हुआ कि नाउ दिस प्रोडक्ट इज कॉस्मेटिक एंड केस इन द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट, दैट्स ऑल। ये समझ में आया क्या? तो बड़ा अच्छा, यानी मैं जब कमिश्नर अपील पे या कमिश्नर लेवल पे केस लड़ता हूँ तो ऐसे पॉइंट ढूंढना पड़ता। अब देखो, केयर, क्यूर, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स, मजा आता है केस लड़ने में। तो जहां तक देखा जाए, मैंने ये क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया कि 2007 की एक केस हुई थी BSNL और आइडिया की। सिम कार्ड जब 300 रुपये में बेचा जाता था, आजकल तो फ्री मिल जाता है, तब सिम कार्ड कितने में? 300 रुपये में। 300 रुपये सिम कार्ड जो है जो बेचा जा रहा है, तो वैट डिपार्टमेंट ने कहा तुमने सिम कार्ड बेचा, ये गुड्स है, और अगर ये गुड्स है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? वैट। उधर से सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया BSNL को और आइडिया को कि ये जो है ये सर्विसेज है, सिम कार्ड तो सिर्फ मीडिया है, सर्विसेज जा रही है। जैसा आपके पास बुक है, आपके पास जो बुक है वो तो मीडिया है, मेरी सर्विसेज जा रही है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी साउंड वेव्स वो बुक से मैच हो रही है और फिर आपके दिमाग तक पहुँच रही है। अरे हाँ, है ना, बुक से मैच हो गया आपके दिमाग तक। तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि मेजर कॉन्ट्रैक्ट किसका है? सर्विस का है, इसलिए ये 300 रुपए पे सर्विस टैक्स लगेगा। आइटम एक, आइटम मतलब गुड्स। ओके, यहां पे जहां तक देखा जाएगा एक एक्टिविटी। अब आइडिया कंपनी का या BSNL का कहना था कि एक बताओ यार, आइदर गुड्स और सर्विस। अगर गुड्स होगा तो हम वैट दे देंगे, सर्विस टैक्स देंगे। सर क्या फर्क पड़ता था पहले, गुड्स हो या सर्विस? नो, गुड्स होगा तो वैट का रेवेन्यू स्टेट का था और सर्विस होगी तो सेंट्रल का था, और दोनों सेंट्रल स्टेट डिपार्टमेंट झगड़ रहे, गवर्नमेंट झगड़ती है। हाँ, BJP आप, अरे समझ में, गवर्नमेंट झगड़ती है। तो ऐसे केस में ओके, यहां पे दोनों डिपार्टमेंट ने करोड़ का नोटिस डाल दिया। इंडस्ट्री परेशान कि मैं दू क्या, वैट दू? अरे है ना, मैं वैट दू या सर्विस टैक्स दू? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे केस में नहीं, दोनों डिपार्टमेंट टैक्स। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चली, 4 साल के बाद डिसीजन आया कि इट्स क्या, सर्विस। डोमिनेंट कॉन्ट्रैक्ट ये सर्विस का है, सिम कार्ड जस्ट मीडिया है, समझ में। पर 4 साल तक तो इंडस्ट्री परेशान थी। तो पहले ऐसा इतना झगड़ा होता था कि आइटम वेर ट्रीटेड बोथ, आइटम मतलब सिम कार्ड, नारायक को सिम कार्ड, ओके, आइटम वेर ट्रीटेड बोथ, क्या उसे गुड्स भी कहा जाता था, सर्विस भी कहा जाता था, और दोनों डिपार्टमेंट टैक्स लगाती थी। पर आज ऐसा नहीं है, आज GST आने के बाद गुड्स होगा या सर्विस होगा, लगेगा CGST एज वेल एज SGST। आज दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं चलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये डबल टैक्सेशन वो डबल टैक्सेशन नहीं है, समझ में आया क्या? ये जो डबल टैक्सेशन है कि कुछ गुड्स पे, कुछ आइटम पे गुड्स भी कहा जाता था और सर्विसेज। ये तो सिम कार्ड का हुआ। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में भी बहुत सी बार मैंने आपके हिसाब से डेवलप करके दिया, तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कहता था कि डेवलप करके दिया, सर्विस है।
कोई सॉफ्टवेयर रेडी होता था तो रेडी होता था गुड्स है, झगड़े हो जाते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिसपे गुड्स या सर्विस, पर अब ये जीएसटी में नहीं बचा क्योंकि जीएसटी दोनों डिपार्टमेंट मिलकर टैक्स लगाती है। ये समझ में आए क्या? चलो ये था, आपने लिख देना साइड में, सर ने एग्जाम्पल दिया था किसका, सिम कार्ड का, बीएसएनएल सिम कार्ड का, आपको क्लिक हो जाएगा ठीक है। दूसरा नो सेट ऑफ, अरे एक वर्ड आ गया बॉस, सेनवैट, मुझे नहीं समझ में आ रहा है सेनवैट, जिसको सेनवैट नहीं समझ में आता वो एक्साइज लिखे, अरे है ना। तो जहां तक है सेनवैट एंड स्टेट लेवल वैट वेयर वैल्यू एडेड टैक्स बट क्रॉस क्रेडिट, अंडरलाइन द वर्ड क्या, क्रॉस क्रेडिट। यस बेटा, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है ये केस समझा क्या, सिम कार्ड का समझा होगा तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे यस कहे और लाइक करे ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, नहीं अभी क्या हो गया मैं आगे बताऊँ ना, टेक्नोलॉजी इतनी इतनी आगे बढ़ेगी कि पूरे ह्यूमन को कंट्रोल कर लेगी। अभी जैसे यूट्यूब का अल्गोरिदम तुम्हारे लाइक्स पे, नहीं ये सेशंस आपको अच्छा लगे तो ये शेयर भी होना चाहिए ना। तो जहाँ तक है सेनवैट और स्टेट लेवल वैट वेर वैल्यू एडेड टैक्स, दोनों थे वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब एक्साइज में भी क्रेडिट मिलता था है ना, वैट में मिलता था, लेकिन दोनों में क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं था, सेंट्रल का सेंट्रल में स्टेट का स्टेट। फिर से कहता हूँ ये आपको इजीली इसलिए समझ में आया क्योंकि इसके पहले वाला एग्जाम्पल लिया, ये समझ में आया क्या? ओके, क्रॉस क्रेडिट वेर नॉट पॉसिबल एज सेंट्रल वॉज सेंट्रल लेवी और स्टेट वॉज स्टेट लेवी। उसके बाद नेक्स्ट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, ये भी समझा, बताओ कैसे कैस्केडिंग, क्रेडिट नहीं मिल रहा है सेंट्रल का तो परचेस में ऐड हो गया, परचेस में ऐड हो गया मतलब कॉस्ट में ऐड हो गया, कॉस्ट में ऐड हो गया, इज इट क्लियर? इधर ध्यान दे बेटा ठीक है। तो वो देख ये बता दूं क्या, ये कैमरा लगाया हुआ है, अरे नहीं ये कहाँ गड़ गया, गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, स्क्रीन कहाँ से आ गई आई डोंट नो। ओके, तो जहां तक देखा जाए ओके, सो यहां पे सेनवैट के क्रेडिट किसके अगेंस्ट में नहीं मिलते थे, स्टेट में, इट बिकम अ कॉस्ट, वो कॉस्ट यहां पे हो जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट ये था कि ये तो कैस्केड इफेक्ट था, सेनवैट डिड नॉट इंक्लूड वैल्यू एडिशन इन चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड आफ्टर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन द स्टेट लेवल वैट ऑल्सो, सेनवैट लोड ऑन द गुड्स वॉज नॉट क्या, रिमूव्ड। ठीक है, जो सेनवैट का लोड होता था, यानी थोड़ा चलो इसको डेप्थ में लेता हूँ, एक चेन याद करो, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ याद आया क्या, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेल, तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे सेनवैट लग गया पर वो आगे कहीं पे भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो क्या वो लोड हो गया प्राइस में, यस और नो, टिल अल्टीमेट कंज्यूमर, सेनवैट का लोड कहीं रिमूव नहीं हो रहा है, कहीं पे उसका सेट ऑफ नहीं मिल रहा है। उसके बाद में सेवरल टैक्सेस नॉट सब्सूम इन वैट फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन, मल्टीपल टैक्सेस इन मल्टीपल फॉर्म वे रिक्वायर टू बी पेड लाइक लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह, मतलब क्या होता था वैट आने के बाद भी लग्जरी टैक्स लग रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है, एंट्री टैक्स लग रहा है, ऑक्ट्रा लग रहा है, तो ऐसे अलग अलग टैक्सेस थे। उसके बाद में नेक्स्ट वैट ऑन गुड्स वॉज नॉट इंटीग्रेटेड विथ क्या, सर्विस टैक्स, याद आ रहा है कुछ, वैट सर्विस टैक्स के साथ इंटीग्रेटेड नहीं था, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मुझे वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे, इज इट क्लियर? ओके, सो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ सर्विस टैक्स वॉज नॉट क्या, रिमूव्ड। या मैं ट्रेडर हूँ तो मुझे सर्विस टैक्स के क्रेडिट नहीं मिल रहे हैं तो कैस्केडिंग इफेक्ट तो हो ही रहे हैं। उसके बाद में कैस्केडिंग नेचर ऑफ CST, हाँ किसी ने मुझे CST का सवाल पूछा था, CST 2017 के पहले कब लगता था, कोई कॉमन सेंस से बताएगा, कॉमन सेंस, मैं स्पेशल सेंस चाहता ही नहीं हूँ, बताओ 2017 के पहले मैं महाराष्ट्र का बंदा हूँ और मैं खरीद रहा हूँ दिल्ली से तो क्या कौन सा टैक्स लग गया था, CST। बड़ा मजेदार एग्जांपल है, दो मिनट ले लेता हूं, दिल्ली और क्या महाराष्ट्र, मैं कहां का हूं,
महाराष्ट्र का, और कहाँ से परचेस कर रहा हूँ, दिल्ली से। वैल्यू है 1 लाख, वैल्यू है 1 लाख, और उसके ऊपर क्या लग रहा है, सीएसटी एट द रेट 4% समझ लो, तो कितना, 4000 लग के मुझे आया यहाँ पे 1,04,000। ये गुड्स खरीदा और मैंने महाराष्ट्र में बेचा और वैल्यू समझ लो 1,50,000, और 1,50,000 पे बताओ महाराष्ट्र के अंदर बेच रहा हो तो महाराष्ट्र वैट लगेगा। पुराना सर, आज पूरा डिस्कशन पुराना, पर ब्रेक के बाद सब भूल जाना, है ना, ब्रेक के बाद सब भूल जाना, था डिस्कशन पुराना, ठीक है। तो अब यहाँ पे महाराष्ट्र वैट समझ लो एट द रेट 12% लग रहा है, तो कितना आता है 1,50,000 का 12%, 18,000। अब एक मिनट हाँ, ये बताओ, ये भी डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट है, देखो ये बताओ, ये जो सीएसटी लगा दिल्ली में, इसका रेवेन्यू किसको मिला होगा, सेलर स्टेट कौन सा, दिल्ली, अरे है ना, सेलर स्टेट कौन सा, दिल्ली। और यहां पे ये बंदे के लिए इनपुट टैक्स है सीएसटी, सीएसटी लग के आया ना, इनपुट टैक्स है क्या, सीएसटी, और इसका आउटपुट टैक्स क्या है, महाराष्ट्र वैट, एक बार बोलो कौन सा, महाराष्ट्र वैट। अब ये 18,000 इसको कौन सी गवर्नमेंट को देना है, महाराष्ट्र वैट। अब यहां पे ये 18,000 में से 4,000 का जो सीएसटी लग के आया, क्या इसका क्रेडिट मिलेगा, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहेगी मैं क्रेडिट क्यों दू, मतलब ओके, मतलब पैसा दिल्ली को मिले और सेट ऑफ मैं दू, समझ में आया क्या, मुर्गी मेरी, ये समझ में आया क्या। तो जहां तक देखा जाए पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ले रही है और मैं मेरे रेवेन्यू से एडजस्ट करूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो सीएसटी के क्रेडिट मिलते ही नहीं थे, अरे सर बट नो बट शट ओनली कट टू कट। लेकिन आज सीएसटी नहीं लगता है, आज लगता है क्या, आईजीएसटी। और सर ये आईजीएसटी क्रेडिट मिलते है क्या, समझ में आया कि नहीं, आज लगता है आईजीएसटी और क्या आईजीएसटी क्रेडिट मिलते है, यस, समझ में। तो ये भी एक ड्रॉबैक था कि सीएसटी नॉन वैटेबल था, नॉन वैटेबल मतलब नो क्रेडिट, लॉजिक समझा क्या, यस और नो, इधर ठीक है। तो नॉन वैटेबल था, सीएसटी वॉज नॉन वैटेबल एंड ओरिजिन बेस्ड टैक्स विच हैड अ कैस्केडिंग इफेक्ट। सर ये ओरिजिन बेस्ड यानी क्या होता है, जो सेलर स्टेट का ओरिजिन था वो गवर्नमेंट लेती थी, नहीं समझ में आया था, इसलिए वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। और हाई कंप्लायंसेस, लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस क्रिएटेड हाई कंप्लायंस कॉस्ट फॉर टैक्स पेयर इन द फॉर्म ऑफ मोर रिटर्न एंड पेमेंट। वही बेटा, हाई कंप्लायंसेस, इसका चाय पानी, उसका चाय पानी, तीसरे का चाय पानी, एग्जाम में चाय पानी मत लिखना, थोड़ा सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में हाई कंप्लायंसेस कॉस्ट, समझ आया क्या, ओके, सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखना, चाय पानी लिख के मत आना, ओके, हाई कंप्लायंसेस कॉस्ट लग रहा है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू डेफिशिएंसी। सर एग्जाम में आने के कितने चांसेस है, आप समझ गया, अच्छा हो गया, मजा आ गया, पर ये बताओ एग्जाम में क्या आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रायोरिटी बी में रखो, प्रायोरिटी बी में रखना, डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर। बेटा क्या हुआ, फोन आया कॉलेज, ठीक है, ये लेक्चर देख लेना बेटा, चलो अब ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। आज वही डायग्राम जो हमने क्या देखा, एक्साइज वैट जीएसटी के फ्लो में कैसा रहेगा, जीएसटी सिमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। अभी मैं सिर्फ इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन लेता हूँ, इंटरस्टेट नहीं,
बाद में इंटरस्टेट मिक्स करता हूँ, नहीं तो सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? चलो, तो अब यहां पे, हाँ, सप्लायर, आपको ये मैन्युफैक्चरर हुआ, ये सर्विस प्रोवाइडर हुआ, ये ट्रेडर हुआ, ये रिपीट वर्क करना है, समझ में आया तो भी आपको करना है। लिखो यहां पे इनपुट, परचेस इनवॉइस, परचेस इनवॉइस। अब मुझे बताओ इनपुट और परचेस इनवॉइस, अब मुझे बताओ यहां पे वैल्यू उतनी लेना है आपको 1,00,000। अच्छा, अभी एक्साइज वैट, एलबीटी, ऑक्ट्रा कुछ लगेगा या ओनली जीएसटी लगेगा? जीएसटी। और ये ट्रांजेक्शन लिख लो इंट्रा है, ये ट्रांजेक्शन क्या है? इंट्रा। इंट्रा है मतलब क्या लग के आएगा? सीजीएसटी। रेट अज्यूम करते हैं 18, रेट अज्यूम करते हैं 18, तो 9% एसजीएसटी एट द रेट 9%, कितना? 9,000। रेट अज्यूम करते हैं, तो अब क्या बचा? 1,18,000। पहला फायदा आप यहीं देख रहे हो, क्या फायदा देख रहे हो पता है क्या? पहले वैट के लिए एक्साइज भी ऐड होता था, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब सिर्फ क्या लग रहा है? जीएसटी। तो जो पुराना कैस्केडिंग इफेक्ट था वो भी खत्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। जीएसटी आने से, अच्छा ये तो आपने गुड्स खरीदा, अगर आप सर्विस खरीदते हो, सर्विस खरीदते हो तो आज सर्विस टैक्स है या जीएसटी है? जीएसटी। ओके, तो लिखो यहाँ पे इनपुट सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज, वैल्यू 50,000, रेट 18% सबके लिए ले लो, रेट 18%, तो क्या लगेगा? सी जी एस टी एट द रेट 9%, ये भी इंट्रा ही है, इंट्रा ही है, और एस जी एस टी एट द रेट 9%, 4,500, 4,500, 4,500, 4,500, ये दो हमारे इनपुट हुए, ठीक है। अब आउटपुट यानी गुड्स का सेल हुआ, अच्छा गुड्स के सेल पे आज एक्साइज वैट लगेगा या ओनली जीएसटी लगेगा? ओनली जीएसटी लगेगा। वैल्यू 3,00,000, जीएसटी रेट 18%, सी जीएसटी एट द रेट 9%, एस जीएसटी एट द रेट क्या? 9%। निकालो कितना कितना है? 27,000, 27,000 टोटल जो भी आएगी, ठीक है। देन चलिए, तो मुझे ये बताओ अब स्टेटमेंट क्या बनेगा, एक्साइज वैट या नेट जीएसटी पे? देखो कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल, इसको ऐसा लिखना पर्टिकुलर्स सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये समझा गया आपको? पर्टिकुलर्स में आउटपुट टैक्स, ये बताओ आउटपुट टैक्स सीजीएसटी कितना है? 27,000, 27,000। लेस क्या बेटा? आईटीसी इनपुट, इनपुट पे कितना जीएसटी है? हाँ, तो सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में 9,000, एसजीएसटी का एसजीएसटी में 9,000, और इनपुट सर्विस कितना है? 4,500, 4,500। नेट जीएसटी पेबल 13,500, 13,500। डन 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 डन। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, लिखो इनपुट, परचेस इनवॉइस, वैल्यू जो है यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 2,00,000 रुपये,
वैल्यू 2 लाख रुपए, CGST @9% और SGST @9%, निकालो दोनों भी, आप निकालो, आप निकालो। सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज वैल्यू जो है 70,000, वैल्यू 70,000, इनपुट सर्विसेज वैल्यू 70,000, CGST @9%, SGST @9%, कितना रहे 9%? 6,300 and 6,300. आउटपुट सर्विस वैल्यू 3,50,000, उसमें CGST @9% निकालो, SGST @9% निकालो, 31,500. चलो नेट GST लायबिलिटी निकालो, नेट GST लायबिलिटी पूरा फॉर्मेटिंग पूरे प्रॉपर फॉर्मेटिंग करो, टाइटल दो केयरफुली, पर्टिकुलर्स CGST SGST, पर्टिकुलर्स CGST SGST, कितना आ रहा है 7,000। ठीक है, यहाँ सिर्फ अमाउंट लिख लेना, ये आपके, अच्छा तो इसका मतलब ये सर ये प्रॉब्लम से हम क्या समझे, वो मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर, सेम ट्रीटमेंट है, यस और नो? ओके, सेम ट्रीटमेंट है। ट्रेडर, ये आपके लिए होमवर्क, सिर्फ मैं वैल्यू दे देता हूँ, रेट आपको क्या अज्यूम करना है 18%, इनपुट की वैल्यू ले लो, वैल्यू 70,000 इनपुट की वैल्यू, और इनपुट सर्विस की वैल्यू ले लो, वैल्यू 30,000, और आउटपुट की वैल्यू ले लो, वैल्यू 2 लाख, वैल्यू 2 लाख आपको करना है ये। ठीक है, ये आपके लिए होगा। चलो यहाँ रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, और रिमेनिंग डिस्कशन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डन? चलो
हेलो, चलिए। वेल सो दोस्तों, पेज नंबर 12 पे आ जाइए। पेज नंबर 12 पे आओ। देखिए वहाँ पे साइलेंट प्लीज, वहाँ पे IGST ये आपको टाइटल दिखेगा, और IGST जो टाइटल आपको दिख रहा है, हमने देखा ये कि कौन से केस में लगता है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। डन, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे IGST की IGST लगता है। IGST का क्रेडिट और IGST का रेवेन्यू एलोकेशन कैसे होता है, मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। एक अगेन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, मैं सभी का ध्यान चाहूँगा रिगार्डिंग टू दिस। आपको नेक्स्ट पेज पे हाफ पेज ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ जो मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा, आपको मेरे साथ ड्रॉ करना है, और फिर से कह दूँ खेलना नहीं है, उसके नीचे थोड़ा स्पेस भी चाहिए मुझे डायग्राम के नीचे, ठीक है। तो वो पूरे स्पेस में खेलना नहीं है, जैसा लगे वैसा लिख लो, ऐसा आपको नहीं करना है। लिखो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात, आ जाओ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ गुजरात। सप्लायर महाराष्ट्र का है और बायर गुजरात का है, ठीक है। और ये सप्लाई हो रहा है इंटर बेटा अभी मत डालो, अभी मेरी टीम नहीं कनेक्टेड है, आपको समझ में नहीं आ रही क्या बात? आप आपका ऑर्डर आईडी आखिरी के 10 मिनट डालो, मेरी टीम अभी कनेक्टेड नहीं है। चलिए, अगर ये इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट है तो बताओ इंटरस्टेट के केस में कौन सा टैक्स लगता है? IGST। यहां इनवॉइस बन रहा है, सप्लायर इनवॉइस बन रहा है महाराष्ट्र का, वैल्यू लिखो, यहां पे वैल्यू लिखना, वैल्यू 1 लाख रुपए। और ये बताओ CGST SGST लगाओ या IGST? IGST IGST एट द रेट, फुल रेट लेते हैं 18%। जब भी मैं एग्जांपल लूँगा तो एक ही रेट पर लूँगा 18। हाँ, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अलग अलग रेट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए
एट द रेट 18%, स्प्लिट करो कि सिंगल रेट से लगता है? जी सिंगल रेट से लगता है 18,000 रुपये। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 18,000 रुपये गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फीचर है? सप्लायर पे करता है एंड बर्डन पास ऑन होता है। तो गवर्नमेंट को IGST जो पे करेगा, सप्लायर पे करेगा, पेमेंट ऑफ GST, IGST कितना? 18,000। अब ये जो गवर्नमेंट होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये पूरा पैसा सेंट्रल के पास जाता है। मैकेनिज्म देखो कैसा रखा, ये जब भी इंटरस्टेट सप्लाई होगा और उसका कौन सा टैक्स पे होगा? IGST। तो IGST का पूरा पैसा सेंट्रल के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिसाइड हुआ कि सेंट्रल के पास पूरा पैसा आने के बाद सेंट्रल उसको डिवाइड करेगी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, पर पहले पैसा किसके को कलेक्ट होगा? सेंट्रल, और सेंट्रल उसको फिर 50-50% बांटेगी। तो सेंट्रल उसको अलोकेट करेगी, अलोकेशन ऑफ IGST, अलोकेशन ऑफ IGST अलोकेट करेगी, ठीक है। अलोकेट में सेंट्रल 50% रखेगी और स्टेट को देगी 50%, जितना भी कलेक्ट किया। एक बार स्टेप बाय स्टेप, IGST का पूरा कलेक्शन कौन करेगा? सेंट्रल। एज अ टैक्स पेयर आपको इतना नहीं सोचना है, पर एज अ लॉ मेकर हमें बैकग्राउंड में भी जाना है। अरे है ना, तो टैक्स पेयर को क्या है? सिंपल, लिया चालान, IGST पे कर दिया, IGST पे कर दिया, ठीक है। पैसा सेंट्रल के पास गया, सेंट्रल पैसा आने के बाद अलोकेट करेगी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। 50% मतलब 9,000 सेंट्रल रखेगी, 9,000 स्टेट। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा मुझे, सर आपने तो CGST SGST लगाया। नहीं भाई, मैंने CGST SGST नहीं लगाया, टैक्स पेयर ने IGST लगाया, टैक्स पेयर ने गवर्नमेंट को IGST दिया। सेंट्रल बाद में, बोलो बाद में, वो अपने आप में डिवाइड करेगी, अपने आप में डिवाइड करेगी। इज इट क्लियर? अब मेरा सवाल ये है, देखना चाहता हूँ किसको क्लिक होता है, नहीं तो मैं तो समझाऊंगा। ये 9,000 रुपये कौन से स्टेट को देंगे, महाराष्ट्र या गुजरात? हू आर इन फेवर ऑफ महाराष्ट्र? हू आर इन फेवर ऑफ महाराष्ट्र सेलर स्टेट को? आप पुराने लॉजिक पे बोल रहे हो ना, CST के। हू आर इन फेवर ऑफ गुजरात? देख लिया, 6 लोग हैं यहाँ टोटल, जो अराउंड 500 स्टूडेंट बैठे उसमें से 6 लोग कह रहे हैं सिर्फ किसके फेवर में है? गुजरात। अब मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद कितने लोग बदलते देखते हैं? अरे 6 ही लोग बदलेंगे, ऐसा है? चलिए, अगर ये पैसा 9,000 रुपये, आपने कुछ मत करना डायग्राम में, हाँ आपने कुछ मत करना, ये 9,000 रुपये किसको दे दिया? महाराष्ट्र, ठीक है, दे दिया समझ लो। इतने सारे स्टूडेंट महाराष्ट्र के, क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट महाराष्ट्र के फेवर में थे, बहुत सारे स्टूडेंट गुजरात के फेवर में थे, बाकी बचे हुए स्टूडेंट जो है वो जज बैठे हैं, हाँ देखते हैं, ठीक है। तो वो जज लेके बैठे कि देखते हैं क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर ये पैसा महाराष्ट्र को दिया, जल्दी आ जाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चालू है, ब्रेक 10 मिनट का है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 5 मिनट का है, समझ में आया? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 5 मिनट। अगर 15 मिनट में नहीं आए तो आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कोई भी एक्शन लेने के पहले। अगर सेटिस्फैक्ट्री रीजन आए तो शो कॉज नोटिस स्क्वाश किया जाएगा, समझ में आए? अगर सेटिस्फैक्ट्री रीजन नहीं आए
तो फिर आएगी ऑर्डर, फिर आएगी क्या ऑर्डर। और क्या है, कभी कभी मेरी हालत आरटीओ जैसी हो जाती है, ठीक है। आरटीओ जब एक लड़के को पकड़ता है, पीयूसी बता, लाइसेंस बता, ये बता, और जब एक लड़की को पकड़ता है, लड़की जस्ट मुस्कुराती है, जा 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 तो, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, नोटिस सबको आएगी, समझ आया। तो यहाँ पे देखो, आप जाओ जहाँ भी आपने स्टार्टिंग में क्लास किया, बहुत मस्ती करके आए हो, अब हमारे पास इतना मस्ती का टाइम नहीं है। अभी तो देखो क्लास चालू हुआ, कुछ दिन बाद सर टिकट बनाना है, क्लास कब ख़त्म हो गई है। मैं पहले कह रहा हूँ क्लास हमारे मेन तक चलेंगे, मेरे पास नहीं आने का टिकट विकेट कब, समझ में आया क्या। तो नहीं तो वर्चुअल में पूरा 100% बैकअप है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट एंजॉय कर रहे वर्चुअल, ठीक है। तो नाउ वापस आते हैं हमारे डिस्कशन पे। 9000 रुपये महाराष्ट्र को पैसा दे दिया अगर सेंट्रल ने। अब मुझे बताओ, ये जो गुजरात का बायर है, ये भी बिजनेस एंटिटी है, आई रिपीट, ये भी बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी है मतलब वो भी आगे बिजनेस कर रहा है, वो भी आगे सेल कर रहा है, ओके। अब वो भी, दो मिनट अभी मत कुछ लिखना, वो भी आगे सेल कर रहा है। मुझे बताओ, उसने महाराष्ट्र से परचेस किया तो उसके इनपुट टैक्स में क्या लग के आया, IGST, उसका इनपुट टैक्स है और वो है IGST, कितना, 18,000, ठीक है। उसने गुजरात में इंट्रा सेल किया, गुजरात में क्या किया, इंट्रा सेल किया। अभी गुजरात में जब इंट्रा सेल करेगा, समझ लो वैल्यू है 150,000, उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%, निकालो कितना, 13,500। अब देखो यहाँ पे क्या है, सवाल है, ये बिजनेसमैन पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, ये बिजनेसमैन पूछ रहा है कि क्या जो मेरे इनपुट पे IGST लग के आया है, ये समझाए नहीं समझा, क्या IGST का क्रेडिट मैं ले सकता हूँ क्या CGST और SGST में, यस यस। आप बोलोगे क्या, यस yes. पर ठीक है, ये IGST में 50% किसका है, सेंट्रल का, और 50% किसका है, स्टेट का। अब मेरे सामने चैलेंज क्या है, सेंट्रल का एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल वाले बोलेंगे ठीक है IGST ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो रेवेन्यू है, ध्यान से देखना, ये जो SGST का रेवेन्यू है, महाराष्ट्र का है या गुजरात का है, महाराष्ट्र का, ऐसे हो सकता है गुजरात डेस्टिनेशन पे सेल हुआ है, तो ये SS मतलब गुजरात, अरे है ना, तो ये रेवेन्यू किसका आएगा, गुजरात का। तो अब वो गुजरात बोलेगा, अगर आपने IGST का 50% सेंट्रल वालों ने महाराष्ट्र को दिया, तो हम IGST का क्यों सेट ऑफ दे, है ना। तो ये यहां पे गुजरात में आए, अगर यहां पे GST काउंसिल बैठा हुआ है, सारे स्टेट के मेंबर्स बैठे हुए हैं, आई एम द चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल, मैं सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को यह पूछना चाहूंगा कि अगर पैसा हमने महाराष्ट्र को दे दिया, तो आगे IGST का क्रेडिट गुजरात अपने इसमें नहीं देगा, yes, समझ में आया क्या, yes, अगर क्रेडिट नहीं मिला तो वो बिकम कॉस्ट बन जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो मैं सभी फाइनेंस मिनिस्टर को यह पूछना चाहूंगा कि क्या GST लाने के बाद भी हम कैस्केडिंग इफेक्ट रखे, नहीं। अगर हम रखेंगे तो बिजनेस वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, GST आ गया, हमने कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर दिया, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये खाक वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट हुआ, ये समझ में आया क्या।
तो ठीक है, पुराना सीएसटी जाता था सेलर स्टेट के पास, पुराना था, बातें पुरानी थी, पर अब नया जीएसटी है, बातें नहीं होगी। तो मुझे बताओ, जीएसटी का सिमलेस फ्लो रखना है, मतलब कोई उसमें हमें क्रेडिट में कभी कहीं कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं रखना है। तो ये बताओ कि ये 50% सेलर स्टेट को देना पड़ेगा या बायर स्टेट को देना पड़ेगा? ये गुजरात को देना पड़ेगा, ये समझा नहीं समझा? अगर ये पैसा गुजरात को मिलेगा, आई रिपीट, ये पैसा किसको मिलेगा? ये आईजीएसटी जो इनपुट में पास ऑन हुआ है, इसका 50% अगर गुजरात को मिलेगा तो गुजरात आगे क्रेडिट देगा। ये समझा नहीं समझा? तो ऐसे केस में यहां पे मैं सभी यहां के मेंबर्स को पूछना चाहूंगा, ऑनरेबल सभी फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट्स के, कि मुझे यूनानिमस डिसीजन चाहिए जीएसटी में कि हम क्या करें, आईजीएसटी का रेवेन्यू सेलर स्टेट को दे, बायर स्टेट को दे, मतलब जो डेस्टिनेशन स्टेट है, डेस्टिनेशन मतलब जहां गुड्स का डेस्टिनेशन है, कि आईजीएसटी का रेवेन्यू उनको अलोकेट करे, यस और नो? जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी बताइए। तो बायर स्टेट को दे, यस बेटा, बायर स्टेट को दे। तो ये हुआ, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ, इसलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। आई रिपीट, इसलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड क्या रखें? ये समझा नहीं समझा? तो ऐसे केस में डिसीजन ये लिया गया कि, तो एक बार फिर से, ये आपको एग्जाम में हो सकता है पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, उससे हमें लेना देना नहीं है, पर आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आईजीएसटी जो सेंट्रल कलेक्ट करती है वो शेयर कैसे करती है, 50% अपना, 50% स्टेट का, ठीक है, बायर स्टेट को। अगर बायर स्टेट को मिल जाएगा तो बायर स्टेट फिर आगे उसको क्रेडिट दे देगा। इज इट क्लियर? अब क्रेडिट कैसे दिया जाएगा वो आगे देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो चलिए, तो ऐसे केस में आपको ये डायग्राम निकालनी है और आपको सिर्फ ये लिखना है कि आईजीएसटी आईटीसी आईटीसी अलाउड अगेंस्ट बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दोनों के अगेंस्ट में आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। ये सब नो, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट विल अलोकेट 50% ऑफ आईजीएसटी रेवेन्यू टू, थोड़ा रेस्ट करके आ जाओ बेटा, ठीक लग रहा है? ठीक है, ओके, 50% ऑफ आईजीएसटी रेवेन्यू टू किसको देगी? गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है, डन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ आईटीसी, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ आईटीसी। अब आपका सवाल आएगा कि सर, अगर ये जो गुजरात का बायर है उसने अदर स्टेट को दिया तो आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में, वो फ्लो आगे बढ़ते जाएगा। ओके, इसका एक एग्जांपल हम आगे लेंगे, ठीक है। चलिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, रेवेन्यू अलोकेशन में आपको डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, फॉर्मूला बना हुआ है, वो बराबर अलोकेट होते रहता है। इज इट क्लियर? ओके, सिर्फ आपको इतना समझना है कि आईजीएसटी का 50% रेवेन्यू किसको जाता है? बायर स्टेट को, एंड नॉट सेलर स्टेट।
ठीक है, डन। लिखो नीचे, फॉलोइंग आर कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई, फॉलोइंग आर कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई। लिखो फर्स्ट, फॉलोइंग आर कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई, इसमें लिखना पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पहला मैं डिक्टेट कर रहा हूं यहां पे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये समझा गया आपको? इंटर स्टेट कब बोला जाएगा? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट टू अनादर यूनियन टेरिटरी। अगर मुझे बताओ, मैंने महाराष्ट्र से अंडमान निकोबार सप्लाई किया तो ये भी क्या बोला जाएगा? इंटरस्टेट। आगे लिखना, और वाइस वर्सा, और क्या? वाइस वर्सा, ये समझा? यूनियन टेरिटरी से महाराष्ट्र में आया तो क्या लगेगा? आईजीएसटी, ये भी इंटरस्टेट बोला जाएगा। तीसरा लिखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस From one union territory to another union territory, from one union territory to another union territory, another union territory, ये समझा आपको? Yes, समझ लो, चंडीगढ़ से अंडमान निकोबार जा रहा है तो आईजीएसटी लगेगा। इज इट क्लियर? फोर्थ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस हां, इंटरस्टेट का लिटरल मीनिंग मत लेना, इंटरस्टेट मतलब स्टेट टू स्टेट, ऐसा नहीं। अगर अदर कंट्री से गुड्स इंडिया में आ रहा है, सुनो, अदर कंट्री से गुड्स इंडिया में आ रहा है तो बीसीडी और आईजीएसटी लगता है। समझ में आ रहा है क्या? बीसीडी और आईजीएसटी लगता है, तो वो भी इंटरस्टेट बोला जाता है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फिफ्थ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड कंट्री टू कंट्री ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसे भी इंटरस्टेट बोला जाएगा। तो एक्सपोर्ट पर भी जीएसटी लगता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए क्योंकि एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, लगता है, पर एग्जम्पशंस दिए, बाद में देखेंगे। तो चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, देयर आर टोटल 5 ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरस्टेट, बताओ कौन कौन से? वन स्टेट टू अनादर स्टेट, दूसरा वन स्टेट टू अनादर यूनियन टेरिटरी, तीसरा यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब मुझे ये बताओ, अभी फटाफट आप ही बता दो कि अगर इंडिया में इंट्रा ट्रांजेक्शन हुआ तो कौन कौन से एक्ट ट्रिगर हो जाएंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी, या फिर अगर यूटी होगी तो यूटीजीएसटी, और इंटरस्टेट होगा तो कौन सा एक्ट होगा? इंटीग्रेटेड, एक मिनट, आईजीएसटी मतलब क्या? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इज इट क्लियर? नीचे एक डायग्राम दिया है, यहां पे आप लिख लो,
कैमरा गिर जाएगा। जस्ट अ मिनट। चलिए डायग्राम पे आइए। ये डायग्राम पे आइए। इंपोर्ट ये इंटरस्टेट माना जाता है। लिखो इंपोर्ट वर्ती है। इंपोर्ट ये इंटरस्टेट माना जाता है। और इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है बेटा? बीसीडी। बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी। और दूसरा लगता है क्या? आईजीएसटी। दूसरा लगता है आईजीएसटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी और दूसरा लगता है इसके ऊपर आईजीएसटी। डन। एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया के बाहर तो ये भी क्या माना जाता है? इंटरस्टेट। ये भी इंटरस्टेट माना जाता है और इस पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। और दूसरा क्या लगता है? आईजीएसटी। पर आईजीएसटी में लिख देना सब्जेक्ट टू बेनिफिट। ये समझा क्या आपको? सब्जेक्ट टू बेनिफिट्स। इसमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं एक्सपोर्ट में, स्पेशली आईजीएसटी लगता है और इसमें बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। डन। ओके चलिए, तो ये हमने देखा। अब थोड़ी थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं, ठीक है? आ जाओ अभी। यहाँ तक समझ में आया सभी को अच्छे से? जो स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है बताइए बेटा, वाई टाइप कीजिए। समझ में आया होगा तो चल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन जीएसटी, ध्यान दो यहाँ पे। ये तो शॉर्ट सर्किट झालेला आहे विपक्षा, ते मुलांना विचार देते, ठीक है? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो प्लीज। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर जीएसटी, तो जहां तक देखा जाए यहाँ पे प्लीज प्लीज। हाँ, जैसा हमने देखा था, अगर आप थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देखते हो तो आर्टिकल 246 में तीन लिस्ट दिखेगी आपको। कौन सी तीन लिस्ट दिखेगी? लिस्ट वन कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट, लिस्ट टू कॉल्ड एज स्टेट लिस्ट और लिस्ट थ्री कॉल्ड एज कॉन्फ्रेंस, ठीक है? थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन, आई नीड योर कोऑपरेशन फॉर दिस। अब देखो लिस्ट वन में जो है जनरली, ये लिस्ट क्या है? लिस्ट ये है कि लिस्ट वन में जो सब्जेक्ट दिए है उसके ऊपर कौन टैक्स बनाएगा? सेंट्रल। लिस्ट टू में जो सब्जेक्ट दिए उसके ऊपर स्टेट। और कॉन्करेंट लिस्ट, ध्यान सुनो, दोनों लॉ बनाएगी पर अलग अलग। दोनों लॉ बनाएगी पर अलग। जैसे एजुकेशन में दो बोर्ड है आपको पता है, एसएससी, इंटरनेशनल तो ठीक है बाद में, पर मेनली देखा जाए तो एजुकेशन पे दो लॉ है, स्टेट का भी है सेंट्रल का, और दोनों अलग अलग है। वुमेन वेलफेयर, फॉरेस्ट, टेररिज्म, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, आराम से। ओके, तो ये जो दो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिस्ट थ्री में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल एंड स्टेट पर अलग अलग बनाती है। हमें जीएसटी लाना था और जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी चाहिए थी, क्योंकि आर्टिकल 265 ये कहता है कि जब तक आप लॉ नहीं बनाओगे तब तक क्या आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और वो लॉ बनाने का पावर जो है आर्टिकल 246 में सब्जेक्ट्स में दिया गया है। अब जीएसटी जो लॉ बनाना था वो अकेले कोई सेंट्रल नहीं बना रही थी, सेंट्रल और स्टेट मिलकर बना रहे थे,
ठीक है। अब जीएसटी जो एंट्री है इसकी, सोर्स एंट्री, जब तक लिस्ट वन में नहीं मिलती है, लिस्ट टू में नहीं मिलती है, तब तक हम लॉ नहीं बना सकते, या लिस्ट थ्री में नहीं मिलती है। और सच कहूँ तो जीएसटी की एंट्री तीनों लिस्ट में नहीं थी। आई रिपीट, सच कहूँ तो जीएसटी की एंट्री तीनों लिस्ट में नहीं थी, ना वन में थी, ना टू में, ना थ्री में। तो अब यहाँ पे तो आप कहेंगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके लिस्ट दोनों को साथ में बना था इसलिए कॉन्करेंट में डाल दो। नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर डाल दिया तो लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दोनों अलग अलग बनाएंगे, साथ में मिलकर नहीं बनाएंगे। जी समझ में आया? अगर कहीं पे आपने सुना होगा तो जीएसटी की सोर्स एंट्री जो है अगर लिस्ट थ्री में ऐसा सुना होगा तो ऐसा नहीं है। जी समझ में आया क्या? ओके, तो जीएसटी की सोर्स एंट्री के लिए फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्पेशल आर्टिकल बनाया और वो आर्टिकल है आर्टिकल 246A, इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आर्टिकल 246A लर्न करना पड़ेगा। और ये स्पेशल आर्टिकल लगा, ओके, ये स्पेशल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और जीएसटी की सोर्स एंट्री लाई गई और इस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से पावर दी गई कि हाँ जीएसटी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी का जो सोर्स है वो लिस्ट वन, टू और थ्री तीनों में भी नहीं है, इसके लिए स्पेशल आर्टिकल है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। और वो देखो क्या, देखो क्या कहा गया, नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254। जब भी ये लाइन होती है कोई भी सेक्शन में या प्रोविजन में, तो ये सेक्शन ये कहता है कि भाई आर्टिकल 246 या 254 क्या कहता है, घंटा मुझे फर्क पड़ता है, मैं जो कहूँगा वही होगा, मुझे उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दैट मीन्स दिस आर्टिकल हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट, हैविंग क्या, ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर आर्टिकल 246। 246 क्या है सर, ये जो हमने देखा, क्या देखा हमने, आर्टिकल तीन लिस्ट, यस और नो? ओके, तीनों लिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट रख देना बाद में, ठीक है। तो जहां तक ये तीनों लिस्ट, लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री, तो वो कहता है कि छोड़ो, वो लिस्ट वन, टू और थ्री को छोड़ो, घंटा मुझे फर्क पड़ता है वो तीनों लिस्ट से, मैं जो कह रहा हूं वही होगा। समझ में आया क्या? तो वो क्या कहते, देखो, तो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। देखो कभी कभी आप लॉ पढ़ते हो तो आप ऐसे रूमर्स सुनते हो, अरे यार लॉ में एंड और ये भी देखना पड़ता है, उससे मीनिंग बदल जाता है। अरे है ना? तो हाँ बेटा, कभी कभी इतना ज्यादा डेप्थ में आपको इंटर लेवल पे तो जाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ऐसा है, एंड और या कॉमा से भी मीनिंग बदलता है। तो वर्डिंग देखो क्या, ये बताओ अगर यहां पे और होता तो और का मतलब होता सेंट्रल अलग जीएसटी बनाएगा, स्टेट अलग बनाएगा, सब अपने हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये सोर्स एंट्री देखते हो तो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों मिलकर, आई रिपीट द वर्ड क्या, दोनों मिलकर जीएसटी बनाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। तो पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज टू लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंपोज बाय यूनियन और बाय क्या, स्टेट। ओके, अब थोड़ा वर्डिंग को समझ लो। कहा गया था कि दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे और वो टैक्स जो है यूनियन और स्टेट या दोनों मिलकर लेंगे। अगर आप डेप्थ में जाते हो, पता नहीं मैं इंटर लेवल पे इतने डेप्थ में जा रहा हूं, पर कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे वर्ड है, ओके, यहां वो बोल रहे हैं कि यूनियन और स्टेट, ये और क्यों डाला गया पता है क्या, ओरिजिनल आइडिया सिंगल जीएसटी का था, समझ में आया क्या, ड्यूअल जीएसटी का नहीं था। सिंगल जीएसटी मतलब 2004 में जब फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम बने अंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, तो पी चिदम्बरम ने बोला कि हम जीएसटी जो लाएंगे वो यूनिफाइड कोड पे लाएंगे जिसका नाम होगा नेशनल जीएसटी। आई रिपीट द वर्ड, डिस्कशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं पर थोड़ी बहुत हिस्ट्री, जिसका नाम होगा क्या, नेशनल जीएसटी, एक ही जीएसटी रहेगा, वन नेशन वन जीएसटी, ड्यूअल मॉडल में नहीं आएगा। तो फिर डिस्कशन हुआ स्टेट और सेंट्रल का, ठीक है आप एक ही जीएसटी, जैसे आईजीएसटी लगता है आज, अरे है ना, आप एक ही जीएसटी का लाने वाले हो,
तो ये कलेक्ट कौन करेगा? तो पी चिदंबरम ने कहा कि कलेक्ट सेंट्रल कर लेगी, एंड फिर स्टेट वाले ने बोला फिर आपको देगी ना? स्टेट वाले ने कहा तुम कलेक्ट करोगे, बाद में हमको दोगे, नहीं दोगे किसको पता? अरे है ना, किसको पता? नहीं धनी हाथ नहीं लगा, कसर धन ठीक हाँ। तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि नहीं, सब स्टेट ने कहा अगर मैटर इंटर स्टेट का है तो बात अलग है, पर जो इंट्रा होता है उसमें सेंट्रल लेगा और बाद में बांटेगा ऐसा नहीं। हमें टीटीएम चाहिए, तू तेरा मैं मेरा। फिर आया ड्यूअल मॉडल, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसमें अगर आप वर्डिंग्स पढ़ते हो तो ये वर्डिंग में ऐसा था कि भाई पूरा यूनियन लगाएगी और पूरा स्टेट लगाएगी या कॉमन लगाएगी। तो हमने कौन सा पैटर्न यूज किया? कॉमन वाला। कॉमन वाला मतलब सेंट्रल एंड स्टेट। चलो जाने दो, आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस बात निकली इसलिए बता दिया। चलो ये बताओ कौन सी एंट्री है, व्हाट इज द सोर्स एंट्री? आर्टिकल 246 ए, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। क्या मिलकर जीएसटी लगाएंगे? यस और नो? नाउ दूसरा ये बताओ आईजीएसटी का पूरा कलेक्शन कौन करता है? सेंट्रल, यानी सेंट्रल यानी पार्लियामेंट। तो देखो वो क्या कहते हैं, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ क्या? इंटरस्टेट। अगर इंटरस्टेट होगा तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। ये समझा है नहीं समझा? ठीक है, बाद में नो डाउट आईजीएसटी का पैसा अलोकेट हो जाएगा, पर उसका लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। चलिए एक्सप्लेनेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट। वो क्या कहते हैं देखो, प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल जो आपने ऊपर पढ़ा, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस टैक्स रेफर्ड इन क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 279 ए टेक इफेक्ट, अंडरलाइन टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। काउंसिल याद आया आपको? क्योंकि आर्टिकल 246 ने ये कहा कि दोनों बैठो और दोनों बैठ कर लॉ बनाओ। तो अब दोनों बैठेंगे कैसे? तो इसके लिए बनाया गया काउंसिल जिसका नाम था जीएसटी काउंसिल। इज इट क्लियर? तो अब आर्टिकल 279 ए क्लॉज 5 में जो गुड्स दिए गए हैं उस पे ऊपर दिया हुआ आर्टिकल तब तक अप्लाई नहीं होगा, यानी आर्टिकल 246 से तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगा। टेक्निकल वर्ड हो गया, थोड़ा सिंपल में समझाता हूं। मतलब क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट देखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दूसरा हाई स्पीड डीजल, तीसरा मोटर स्पिरिट कॉल्ड एज पेट्रोल, चौथा नेचुरल गैस और पांचवा एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये जो पांच आइटम हैं, ये पांच आइटम पे जीएसटी जो है जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगा तब तक इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा मुझे बताओ इसके ऊपर जीएसटी लगेगा तो पुराने टैक्सेस कौन से? पुराने टैक्सेस कौन से? एक्साइज वैट और सीएसटी। एक्साइज वैट और सीएसटी। अब क्या हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रेडी नहीं हुई जीएसटी में लाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल का कंजम्पशन गवर्नमेंट खुद डोमिनेट करना चाहती है, क्योंकि हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है। ये समझ में आया क्या? तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसका कंजम्पशन कम हो, डोमिनेटेड हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अगर जीएसटी में लाया जाए तो क्रेडिट देने पड़ेंगे, जबकि गवर्नमेंट पेट्रोल के केस में क्रेडिट देती नहीं है, कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। सर क्यों पेट्रोल के केस में कैस्केडिंग इफेक्ट? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इसकी प्राइसेस ज्यादा रहे। क्यों? क्योंकि प्राइसेस ज्यादा रहे तो इसका कंजम्पशन कम होगा, कंट्रोल में रहेगा। अरे समझा है नहीं समझा? तो गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कैस्केडिंग इफेक्ट चाहती थी, पहले भी कैस्केडिंग इफेक्ट होता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। तो अगर इसको जीएसटी में लाया तो जीएसटी में क्रेडिट देना पड़ेगा, आया ना? इसलिए सेंट्रल और स्टेट दोनों भी रेडी नहीं हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अपना रेवेन्यू सैक्रिफाई करने के लिए। पहले भी उनको कैस्केडिंग इफेक्ट में रेवेन्यू अच्छा था और अभी भी, और ये
छोड़ दिया गया कि जिस दिन भी ये काउंसिल डिसाइड करेगा उस दिन जीएसटी में लाए गए, अभी तो फिलहाल नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं। तो ये पांच फड़क पे जो पुराने एक्साइज थी विदाउट क्रेडिट, पुराना सेल्स टैक्स था विदाउट क्रेडिट, वही चलेगा। यहां पे पता नहीं आप तक ये बात पहुंची होगी नहीं होगी, दो साल पहले राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पेट्रोल वगैरह जो है किसमें लाया जाए, जीएसटी में, जीएसटी में लाया जाए, सो दैट कि पेट्रोल की प्राइजेस हम 30-40 रुपीस कम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। समझ में है ना? तो उनको जीएसटी में लाया जाए और ब्लेम डाल दिया बीजेपी भी, बीजेपी नहीं ला रही है। अब बीजेपी ने कहा कि हम तो लाना चाहते हैं, स्टेट रेडी नहीं है। समझ में है ना? और जीएसटी काउंसिल सिर्फ सेंट्रल से थोड़ी बना हुआ है, स्टेट से भी। फिर स्टेट वालों को पूछा गया, आप क्यों नहीं पेट्रोल लाते हो जीएसटी में? हम तो लाना चाहते हैं, सेंट्रल लाना नहीं चाहती है। और ये ब्यूरोक्रेसी में फंसा हुआ है। ओके, कोई लाना नहीं चाहता। तो मुझे बताओ, ये जो पांच प्रोडक्ट है, एक बार मेरे साथ लिस्ट लर्न करना पड़ेगा, ये जो पांच प्रोडक्ट, कौन से पांच प्रोडक्ट है? पेट्रोल क्रूड, मतलब रॉ पेट्रोल, समझ में आया, जो एक्सप्लोर होता है, पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा हाई स्पीड डीजल, सिंपल वे में डीजल। अब कोई स्टूडेंट ये कहेगा, सर एग्जाम में सिर्फ मैं डीजल लिख दूं, तो बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखना ना, है हाई स्पीड डीजल, फिर दूसरा क्या, पेट्रोल, पेट्रोल लिखो या मोटर स्पिरिट लिखो, ठीक है, तो मोटर स्पिरिट और पेट्रोल। तीसरा क्या, नेचुरल गैस, हाँ जो एक्सप्लोर होता है, ठीक है, तो यहां एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सप्लोर होता है, नेचुरल गैस, एलपीजी गैस नहीं, बायोगैस नहीं। क्या एलपीजी पे जीएसटी आता है? हाँ। बायोगैस पे जीएसटी आता है? हाँ। कौन सा बाहर रखा हुआ है? नेचुरल गैस बाहर रखा हुआ है, जो माइन से या समुंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये समझ में आया क्या? और लास्ट में एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये एक स्पेशल पेट्रोल है जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये समझ में आया क्या? तो ये जनरली ये पांचों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहते हैं। आई रिपीट, क्या कहते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसलिए इसके आगे जब भी मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहूं कि आपके पांच इसमें आने चाहिए। एक बार फिर से, वो कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर तक मेरे साथ पांचों आइटम आप लर्न करोगे। पहला पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये पांच आइटम ऐसे है कि ये फिलहाल जीएसटी में नहीं है। एक सवाल आपसे, मुझे ये बताओ कि ये कभी जीएसटी में नहीं आएंगे या फिलहाल नहीं है? क्या फ्यूचर में आ सकते हैं? और लाना चाहिए गवर्नमेंट ने, पेट्रोल की प्रोडक्ट सब्सटेंशियली कम हो जाएगी, सॉरी पेट्रोल की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस सब्सटेंशियली कम हो जाएगी। ये समझ में आया क्या? पर जो भी है, अच्छा तो अगर ये जीएसटी में नहीं है तो ये एग्जिस्टिंग टैक्सेस में, पर जीएसटी के एंगल से इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। किसके एंगल से? जीएसटी के। अब वर्डिंग देखो क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसका मीनिंग ये मत लेना कि इसके ऊपर टैक्स ही नहीं आता है, इसके ऊपर जीएसटी के एंगल से, आई रिपीट द वर्ड, क्या, जीएसटी के एंगल से इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। तो अब इसके आगे आगे के जितने भी लेक्चर्स हो गए हमारे, जब जब भी मैं एक वर्ड यूज करूंगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो आपके सामने ये पांच प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए। ये समझ में आया ना? क्लियर? तो चलिए इसके नीचे लिखो, ये लर्न करना है, एग्जाम में पूछा है, ये पांच आइटम लर्न करना है। लिखो, इन केस ऑफ अबव फाइव गुड्स, इन केस ऑफ अबव फाइव गुड्स, जीएसटी इज लेवियेबल
GST is leviable when GST Council will recommend when GST Council will recommend full stop till there is no recommendation from GST Council till there is no recommendation from GST Council till there is no recommendation from GST Council CNG भी GST में आता है बेटा सिर्फ नेचुरल गैस नहीं आता है टिल देर इज नो रिकमेंडेशन फ्रॉम GST काउंसिल कॉमा देयरफॉर दीज गुड्स आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ GST दीज गुड्स आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ GST और रेड पेन होगा तो यूज करना आउट ऑफ द स्कोप ऑफ GST एंड कॉल्ड एज क्या बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल सप्लाई फॉर GST पैरा चेंज करंटली कॉमा these goods are subject to payment of क्या लिखो एक्साइज ड्यूटी VAT or CST मुझे बताओ वेदर एक्साइज लॉ इज कंप्लीटली अबोलिश और अप्लीकेबल फॉर सम गुड्स VAT लॉ ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर सम गुड्स इज इट क्लियर चलिए तो ये हुआ हमारा यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो आर्टिकल 246A फिर तो आर्टिकल 246 दिया गया जिसमें तीन लिस्ट दी गई ये तो ठीक है आप रेफरेंस के लिए आप ये कर सकते हो List 1, List 2 and List 3 जिसमें कुछ एग्जांपल मैंने दिए ये लोग आ गए जिसका जैसे ही रेफरेंस आएगा आ जाओ आर्टिकल 269A पे अच्छा आर्टिकल 246 से क्या कहता है भाई दोनों मिलके लॉ बनाएंगे और GST का कलेक्शन करेंगे उसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है आर्टिकल 260 का सेंट्रल के पास पावर है क्या IGST लगाने की और कलेक्ट करने की यस और नो तो अब क्या हुआ IGST का पावर सेंट्रल को दिया गया कि आप कलेक्ट करोगे स्टेट वालों ने कहा ठीक है कर लो कलेक्ट हमें क्या मिलेगा IGST आप लोगे तो हमें क्या मिलेगा तो सेंटर वाले कहेंगे हम देंगे ना आपको उसका 50% देंगे ना हम ले लेते हैं बाद में देंगे ना कौन से स्टेट को बाय स्टेट कौन से स्टेट को बाय स्टेट तो सेंट्रल वालों ने कहा भरोसा रखो हम देंगे तो स्टेट वालों ने कहा भरोसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर दो कि आप हमें अलोकेट करोगे सेंट्रल वालों ने कहा नहीं भरोसा लिख के दो कि आप हमें दोगे अरे है ना तो फिर एट लास्ट एक और आर्टिकल डाला गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये डाला गया आर्टिकल 269A ये देखो क्या कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ क्या इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इंटरस्टेट होगा तो कलेक्शन कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड. ये लिख कर दिया उन्होंने. एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन. अरे समझ में आया क्या? अपोर्शन बिटवीन किसमें? यूनियन स्टेट इन अ मैनर एज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. मतलब जीएसटी काउंसिल वो तो 50-50 हुआ, पर जीएसटी काउंसिल का रिकमेंड देगा और उसके बेस पे जो आईजीएसटी का पैसा कलेक्ट हुआ वो अपोर्शन किया जाएगा. एक्सप्लेनेशन. फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट इन टू टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम टू बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ इन द कोर्स ऑफ क्या इंटर. मुझे बताओ इम्पोर्ट इंटरस्टेट माना जाता है? हमने लिखा है ऊपर इम्पोर्ट इंटरस्टेट माना जाएगा. चलिए तो अमाउंट अपोर्शन टू द स्टेट अंडर क्लॉज वन शैल नॉट बी पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. देखो जो सेंट्रल आईजीएसटी का पैसा देगी वो स्टेट के राइट्स है, वो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड नहीं है. जैसे कोई अर्थविक आ गया से स्टेट में, फ्लड आ गया, तो स्टेट वाले सेंट्रल के पास जाते हैं कुछ मदद करो. अरे है ना, तो वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड से आता है. पर ये पैसा रिक्वेस्ट करने जाएंगे दे दो प्लीज आईजीएसटी का, नहीं, ये स्टेट के राइट्स रहेंगे, ये स्टेट के राइट्स रहेंगे, ऐसे रिक्वेस्ट में नहीं जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. चलिए तो ये था आर्टिकल 269 ए. चलो नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 366. डेफिनेशन ऑफ जीएसटी सर्विसेज एंड एक्सेट्रा. तो अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है आर्टिकल 366 क्लॉज 12 ए में. देखो जब जब भी सुनना ध्यान से, इंडिया में किसी भी एक्ट में जीएसटी ए वर्ड यूज किया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जीएसटी का मीनिंग हम जो दे रहे हैं वैसा लिया जाएगा. किसी भी एक्ट में जीएसटी वर्ड हो. ये समझा क्या? मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और क्या सर्विसेस और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर क्या ह्यूमन कंजम्पशन. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी लगा सकते हैं, है ना, इंक्लूडिंग 5 पे भी लगा सकते हैं. ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं आया. 5 कौन से गुड्स? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. उस पर भी जीएसटी लगाने का पावर है. तो इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स जो है जीएसटी लगा सकते हैं एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, है ना. और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन, सिर्फ अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगेगा. सर क्यों अल्कोहल पे जीएसटी क्यों नहीं? रुक जाओ. और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि नहीं लगेगा अल्कोहल. रुक जाओ बता दो. इसके लिए ऊपर वाले आर्टिकल पे आ जाओ, ये वाला टेबल पे आ जाओ. ये वाला टेबल पे आ जाओ. लॉजिक समझ लो. आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना याद नहीं रखना है. आपको तो एक ही लाइन याद रखना है, क्या? अल्कोहल पे जीएसटी नहीं है. ये समझा नहीं समझा? पर मैं उसका पूरा बैकग्राउंड बता दूं. और क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जब टीचर स्टोरी बताता है, जब टीचर बैकग्राउंड बताता है तो उनको स्टोरी बैकग्राउंड याद रहता है, प्रोविजन याद ही नहीं रहते. समझ में आया? कोई मेमोरी टेक्निक बताता है, ह्यूमर करता है, तो उसको वो ह्यूमर याद आ जाता है, स्टोरी याद आ जाती है, मेन प्रोविजन क्या थी वही नहीं समझ में आता. तो क्या याद रखना है मैं बताऊंगा. हनुमान भी मैं ही बनाऊंगा, उड़ाना भी मैं ही सिखाऊंगा. अरे समझाया क्या? हाँ, तो अब यहां पे देखिए, जब हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और आर्टिकल 246 बनाया गया जिसमें तीन लिस्ट डाली गई, ये समझा नहीं समझा? तो उसमें लिस्ट वन में एंट्री नंबर 84 था. ठीक है, ये तो अभी अमेंडेड है, पुराना बता रहा हूं. एंट्री नंबर 84 था जिसमें ये कहा था कि ड्यूटी ऑफ एक्साइज सारे गुड्स पे लगेगी जो इंडिया में प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर. तब तब की बात है,
ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन ऑल गुड्स विच आर प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. लेकिन एक्साइज ड्यूटी का पूरा रेवेन्यू सेंट्रल को दे दिया था, पर ऑनरेबल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने कुछ गुड्स का एक्साइज का रेवेन्यू स्टेट को भी दिया था. समझ में आया? तो लिस्ट टू में एंट्री नंबर 51 में उन्होंने स्टेट एक्साइज, आई रिपीट द वर्ड, क्या स्टेट एक्साइज ऑन क्या, लिकर. मतलब यहां पे स्टेट वाले नाराज नहीं होने चाहिए इस बात पे कि पूरा रेवेन्यू सेंट्रल को दे दिया एक्साइज का, सारे गुड्स का रेवेन्यू सेंट्रल को दे दिया, इस बात पे स्टेट नाराज नहीं होने चाहिए. इसलिए जो मेन गुड्स था लिकर, अरे है ना, जिसपे अच्छा खासा रेवेन्यू था, तो लीकर किसको हाथ में दे दिया था, स्टेट के हाथ में लीकर. और दूसरा ओपियम नार्कोटिक्स, यानी चरस गांजा वगैरह. सर चरस गांजा बैन है? नहीं, मेडिसिन के लिए मैन्युफैक्चर होता है, एक्सपोर्ट के लिए होता है. समझ में आया ना? वो भी लीगली. ये समझ में आया क्या? तो वो स्टेट को दे दिया था, तो स्टेट इसमें खुश हो गए, चलो लीकर हमारा है, इस पे एक्साइज हमारी है. इसलिए गोवा में लीकर सस्ती मिलती है, क्योंकि उस पर एक्साइज कितना लगाना वो स्टेट डिसाइड करता है. यहां महंगी मिलती है तो कहां ड्राई डे चलता है. अरे तो जहां तक देखा जाए तो ये उस पर एक्साइज जो है स्टेट एक्साइज लगती है. आई होप यू अंडरस्टूड. तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से लीकर पे एक्साइज लगाने का पावर स्टेट के पास था, और उसके ऊपर वैट लगाने का पावर भी स्टेट के पास था. ये समझा है क्या? वैट मतलब सेल्स टैक्स, यानी पूरा रेवेन्यू किसका था, स्टेट का था. तो जब कोई लीकर मैन्युफैक्चर हो रही है, विजय माल्या किंगफिशर लीकर वाइन बना रहे और मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसका एक्साइज भी स्टेट लेता था, वैट भी स्टेट लेता था, और ये सेंट्रल वाले देखते रहते ना एक्साइज मिल रहा है ना वैट, और स्टेट वाले मजा आ गया. स्टेट वाले मजा आ गया, एक्साइज भी हमारा वैट भी हमारा. सेंट्रल वाले कुछ तो हमको भी दो. स्टेट वाले कहते थे ये समझ में आया क्या? इसमें एक्साइज भी हमारा और वैट भी हमारा. तो फिर जीएसटी जब आ रहा था तो सेंट्रल वालों ने प्रपोजल दिया, और प्रपोजल ये दिया कि अल्कोहल को जीएसटी में लाते हैं, क्योंकि अल्कोहल को अगर जीएसटी में लाया तो 50-50 हो जाएगा, बहुत आएगा. जीएसटी में लाया तो 50-50 हो जाएगा. तो इन जीएसटी काउंसिल जो चेयरपर्सन थे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि आई प्रपोज टू ब्रिंग अल्कोहल अंडर द परव्यू ऑफ क्या, जीएसटी. जैसे ही ये बोला तो सारे स्टेट वालों ने कहा न्याय. समझ में आया क्या? सारे स्टेट वालों ने कहा न्याय, अल्कोहल को टच भी नहीं करने का. समझ आया क्या? उसका एक्साइज भी हमारा, वैट भी हमारा. पर सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, डियर मेंबर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अल्कोहल इन जीएसटी. तो सारे काउंसिल मेंबर, अल्कोहल को नहीं लाओगे आप? ओके, अल्कोहल हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा. उसका एक्साइज का रेवेन्यू और वैट का, और पूरा वो जीएसटी में नहीं आएगा. और अल्कोहल पे तो हम कैस्केडिंग भी लेंगे. कैस्केडिंग मतलब टैक्स ऑन टैक्स. कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहा होगा, सर अल्कोहल पे कैस्केडिंग क्यों? जिसको अल्कोहल पसंद होगा वही पूछेगा. समझ आ रहा है? गवर्नमेंट तो इस पर रेवेन्यू लेना चाहती है. तो ठीक है, आखिरी में क्योंकि सेंट्रल को जीएसटी लाना ही था, तो कहा ठीक है अल्कोहल पे नहीं लगाएंगे. तो अल्कोहल एक काम करते, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाली लिस्ट है ना, उसमें अल्कोहल डाल देते. जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाली लिस्ट, अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाली लिस्ट में अल्कोहल डाला मतलब
अगेन जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तब आ सकता है, समझे क्या मेरी बात, उसमें डाल देते हैं। तो सभी स्टेट ने कहा समझ आए क्या, अल्कोहल पे कभी से जीएसटी नहीं आएगा ये लिख कर दो, और अगर अल्कोहल पे जीएसटी लाना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा, अरे है ना, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तो ये लिख के दो। सेंट्रल वाले ने कहा अरे वो, तो ये डेफिनेशन में डाल के लिया स्टेट वालों ने, ये डेफिनेशन में डाल के लिया। और क्या डेफिनेशन में डाल के लिया पता है क्या, कि गांव वालों जीएसटी सारे गुड्स और सर्विस पे लगाया जा सकता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर, और कौन सी अल्कोहलिक लीकर, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अल्कोहल पे भी गांव वालों जीएसटी नहीं आएगा, पर इस पे एक्साइज कौन सी लगती है, सेंट्रल या स्टेट, और दूसरा क्या लगेगा, वैट, वैट या सीएसटी। आई होप यू अंडरस्टूड। तो हमारे 6 नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गए, कौन से, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एक अल्कोहल। पर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहल, 5 जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है, पर पेट्रोल पे जीएसटी तो तभी चाहेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, उसके बिना जीएसटी नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। वो सो गया कि लिख रहा है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, मेडिटेशन में है, सो कर ले बेटा, मेडिटेशन कर ले, हाँ चलिए। दूसरा, सर्विसेस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, इसका डेफिनेशन लगभग हम 3 घंटा पढ़ेंगे आगे, इसलिए अभी छोड़ दो। सर्विसेस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग तो जस्ट एक वर्ड है, अगर वो एनीथिंग में डिस्कशन करने जाऊँ ना तो 3 घंटा लगने वाला है। वो एनीथिंग का चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, समझ आया। तो जहाँ तक देखा जाए वो तो हम बाद में देखेंगे, वो तुमने लॉ में पढ़ा होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, वैसा ही चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। ओके, दूसरा, स्टेट, स्टेट विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 246A, 268, 269, 269, 279 इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी विथ क्या, एक मिनट, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इंडिया के सारे स्टेट यूटी है, कुछ याद आएगा आपको, इंडिया के सारे स्टेट यूटी है, पर वो यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसे क्या बोला जाएगा, स्टेट। तो एक डायग्राम आपको अभी ड्रॉ करनी है, आपको ये आपके नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ओके, सुनो, यहाँ जगह है क्या कहीं पे, नहीं ना, हाँ है, पेज नंबर 17 पे है और 18 पे भी है, चलो 17 पे ड्रॉ कर लो, पेज नंबर 17 पे ड्रॉ, पहले समझ लो, दो मिनट में समझ लो। सारी यूटीज है यूनियन ऑफ इंडिया, पर वो यूटी, ध्यान से सुनो, वो यूटी जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर है यानी विधानसभा है, जहां विधानसभा है उसे जीएसटी के लिए क्या माना जाएगा, स्टेट। और उसमें अगर इंट्रा ट्रांजेक्शन होता है तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, एंड इट इज गवर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है, कम ऑन, ऐसे क्या 28 स्टेट्स है जिसमें लेजिस्लेचर है, ये समझ में आया। ऐसी यूटी जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है उसे क्या कहा जाएगा, यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां गवर्नर अपॉइंट होता है, इज इट क्लियर। अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो और आपका इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ऐसे 5 यूटीज है जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, क्लियर बेटा, इधर। और ऐसी यूटी जहां पार्टली गवर्नेंस बाय स्टेट है एंड पार्टली बाय
यूनियन है, जैसे दिल्ली, दिल्ली में पुलिस सेंट्रल के हाथ में, समझ में आया ना, कुछ पावर सेंट्रल के हाथ में, कुछ पावर स्टेट के हाथ में। तो अगर यहाँ पे ऐसी यूटी जहाँ पार्टली स्टेट का गवर्नेंस है, जीएसटी के लिए वो स्टेट माने जाएंगे, यूटी नहीं मानी जाएगी। इसलिए दिल्ली, पांडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ओके, तो पुडुचेरी, ओके, तो दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, फॉर जीएसटी लॉ दीज आर कॉल्ड एज स्टेट। तो बताओ दिल्ली में अगर सेल होता है तो क्या लगता है, एसजीएसटी एंड, सॉरी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यूटी नहीं लगेगा। पुडुचेरी में यूटी नहीं लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये चार्ट बना लो, चलो फटाफट, ये चार्ट बना लो, चलो। पेज नंबर 17 में बनाओ, जो स्पेस अवेलेबल है। डन। फास्ट फास्ट फास्ट, लिखते वक्त सिर्फ कॉपी मत करना, समझना भी। टोटली चाहिए, टोटली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी।
डन चलिए अब बेटा मैंने ये देखा है कि ब्रेक 10 मिनट में नहीं हो पा रहा है, उसको 15-20 मिनट्स लग रहे हैं, तो आइदर क्लास 11-10 बजे तक चलेगा या सुबह हमको 7:50 को चालू करना पड़ेगा। तो हम क्लास बेटर वे 7:50 को चालू करेंगे। ओके, तो कल से क्लास जो रहेगा वो 7:50, ठीक है। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है वो भी समझिए कि कल से क्लास 7:50 को रहेगा, और 10 मिनट मैं तो कहूँगा सभी रेडी हो जाना, क्योंकि पहले 10 मिनट रिवीजन चलेगी, पर कोई लेट भी आता है तो 10 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं आना, ठीक है। सो दोस्तों, आज का सेशन समझ में आया? Yes, मज़ा आया? Yes, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है कैसा लगा आपको? मज़ा आया? Yes, अगर मज़ा आया तो लाइक करो। सो बच्चों, मिलते हैं कल के सेशन में। मैं बता दूँ, टुमारो सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बंधनों को। सो थैंक यू एंड बाय। बोलो बच्चों, ओके। और जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो अपना ऑर्डर आईडी और प्रिफरेबल टाइम डाल दे, मेरी टीम कलेक्ट कर लेगी ऑर्डर आईडी और प्रेफरेबल टाइम फॉर कॉल बैक। थैंक यू बेटा, थैंक यू गोपाल, प्रेरणा। ये दो एक लर्न करके जाओ, 246A। कैसे लर्न करना? 2 × 2 × 2 = 4, 2 का पैरा याद है, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 2, 3 × 6, 246A। अब याद रह जाएगा तेरे को। नीचे ऑफिस में रुकना। हाँ सर, ITC नॉट अवेलेबल फॉर सेड गुड्स देन कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट वुड बी लो एज यू सेड अर्लियर दैट दिस ब्लैक मार्केटिंग। नहीं नहीं, ये पेट्रोल बहुत कंट्रोल में है बेटा, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती उसमें। सब केस में ब्लैक मार्केटिंग, पेट्रोल तो बहुत कंट्रोल में है गवर्नमेंट के। जतिन, पेट्रोल पे ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकती, वो बहुत कंट्रोल में। ओके, तो राव दे यूट्यूब से मूल एक्सपोर्ट का बेटा मैं बाद में लूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक्सपोर्ट का, ठीक है। बोलो, मगा था क्या करे सर? ऑफिस में विचार ना, क्या प्रश्न ऑफिस में जो विचार मी ये तो एक फ्री सैंपल की केस में नहीं मिलता है गोपाल, वो ITC चैप्टर में आएगा। जो कंपनी सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करती है,
मैन्युफैक्चर करती है सैनिटाइजर, क्या उनको जीएसटी लगता है या फिर उनको वैट एक्साइज लगता है? कौन 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 कंपनी जो सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करती है उसमें अल्कोहल? नहीं, सैनिटाइजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में नहीं आता, जीएसटी लगेगा। आपका ऑर्डर आईडी डाल दो बेटा रोहन। मतलब तेरी सेटिंग नहीं है बराबर। हाँ, आज थोड़ा ब्लैकिश आ रहा है ना। ठीक है, बंद करो एंड स्ट्रीम करो।